हम लोगों ने आज सुबह सुना था, जो लोग सुबह प्रवचन में आए थे, कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, जो उसको ब्रह्मलोक पर्यंत और पाताल लोक तक प्राप्त नहीं होती है अगर वह उसके लिए प्रयास नहीं करता है। ये बात आपने सुनी थी। और बाकी जो भौतिक सुख हैं वो तो वैसे ही अपने आप अपने प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे दुख, दुख के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, वो अपने आप आता है, उसी प्रकार से भौतिक सुख भी अपने आप आएगा। उसके लिए प्रयास न करके बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये आपने सुना था, ठीक है। अब सिंहावलोकन न्याय, सिंहावलोकन न्याय का मतलब है कि सिंह जब आगे चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है। तो पिछले श्लोक में, अर्थात 17वें श्लोक में, नारद जी ने कहा था कि उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं होती जो भगवान की शरण लेता है, अपने स्वधर्म को त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वो तु पते ततो यदि यत्र कवावद्रम अभूद मुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। याद आ रहा है श्लोक, कि अपने धर्म को त्याग के कोई भगवान के हरि के चरण की शरण लेता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, यदि उसका पतन हो जाए तो भी। यदि मतलब हमेशा नहीं होता है, और अपने धर्म का आचरण कर रहा है व्यक्ति तो उसको क्या लाभ हुआ, ठीक। अब उसी बात को स्पष्ट करके बता रहे हैं यहाँ पे श्लोक में, फिर से उसी बात को, इस बात को कि भक्त का कोई नुकसान नहीं होता है, वह अगर उसका पतन भी हो जाए, वह श्लोक में कह रहे हैं। श्लोक की थीम यह है कि भक्त का पतन अगर हो भी जाए तो क्या कोई उसका नुकसान है, एक बात नुकसान नहीं है, दूसरा उसके पतन में और एक व्यक्ति जो कर्मकांड में लगा हुआ है, अपने स्वधर्म में लगा हुआ है, उसका अगर कदाचित पतन होता है तो क्या अंतर, यह भी आप देखने वाले हो। दो बात समझ में आ रही है विषय। एक विषय यह है कि जो भक्ति में लगा हुआ है अगर वह कहीं गिर गया तो उसका पतन किस प्रकार का है, और जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा है उसका पतन किस प्रकार का है ये, और भक्ति में से पतित तो हो जाने के बाद भी क्या कोई उसका नुकसान हुआ, ये सब बातें। मतलब ऑब्वियसली नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, क्यों वो भक्ति में वापस आ जाएगा, ये सब आज आप श्लोक से सुनने वाले हैं। उम्मीद है कि जूम पे भी कुछ सुनाई पड़ रहा होगा। वॉइस इज ओके, ठीक है। वॉइस देखते रहिए, श्लोक दिखाई पड़ रहा है इसमें, ठीक है। श्लोक के आप लोग पीडीएफ खोल लेना अगर नहीं दिक्कत है कुछ ज्यादा, ठीक है। प्लीज मेरे बच्चे बोलिए, बहुत ही रहस्यमय श्लोक है, बहुत रहस्यमय श्लोक है। ना वै जनो जातु कथंचना व्रजे, ना वै जनो जातु कथंचना व्रजे, मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संस्रिते, मुकुंद सेव्य अन्य वद अंग संस्रिते, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनः, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, न वै जनो जातु कथंचना व्रजे, वै जनो जातु कथंचना व्रजे, मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संस्रिते, मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संस्रिते, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनः, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, न वै जनो जातु कथंचना व्रजे, न वै जनो जातु कथंचना व्रजे, मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संस्रिते, मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संस्रिते, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनः, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः। साउथ इंडियन क्यों, न वै जनो जातु कथंचना व्रजे, न वै जनो जातु कथंचना व्रजे, मुकुंद सेव्य अन्य वद अंग संस्रिते, मुकुंद सेव्य अन्य वद अंग संस्रिते, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनर, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनं पुनर, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः। तीसरी ट्यून,
नवै जनो जातु कथञ्चन व्रजे नवै जनो जातु कथञ्चन व्रजे मुकुन्द सेव्यान्यवदाङ्ग संस्कृतिं मुकुन्द सेव्यान्यवदाङ्ग संस्कृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्रि उपगूहनं पुनर् स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्रि उपगूहनं पुनर् विहातुमिच्छेन नरसग्रह हो जनहा। इसका पहले हम अनुवाद देखते हैं फिर मैं अन्वय समझाता हूं। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी ना किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों अर्थात सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है अर्थात कथा का रस अनुभव किया है, नाम का रस अनुभव किया, किसी तरह भक्ति के रस का अनुभव किया है, वह इस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। बहुत मतलब मैं समझता हूँ श्रीमद् भागवतम के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग श्लोक, बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक। अब इसके अन्वय को देखिए। अंग मतलब हे प्रिय व्यासदेव, यह आपने कई बार श्रीमद् भागवत में श्रवण किया है। हे अंग मतलब जैसे हमारा खुद का अंग हमको प्रिय होता है, इसीलिए प्रभुपाद अनुवाद किए हैं हे प्रिय व्यासदेव। नारद जी व्यासदेव जी से कह रहे हैं कि आप तो मेरे अंग के समान हैं, आप जानते हैं इस बात को। मुकुंद सेवी, भगवान का भक्त जो यानी भगवान का सेवक, मुकुंद जो मुक्ति प्रदाता मुक्ति के दान करने वाले भगवान है उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति। जनह, जनह शब्द यहाँ पे दो बार आया है। मुकुंद सेवी जनह अन्यवत, अन्य व्यक्तियों की तरह जो कर्म मार्ग में निष्ठ हैं, जातु किसी भी समय कथंचना किसी भी तरह अर्थात कुयोनि में आदि में गिर कर संस्कृतिम अर्थात संसार न वै निश्चय ही कभी नहीं आवृजित मतलब आता है। अब समझ में आ रहा है इसका अर्थ। हे व्यासदेव, मुकुंद का मुकुंद सेवी भगवान का भक्त, भगवान मुकुंद का कृष्ण का भक्त अन्य जनों की समान जो कर्मकांड में लगे हुए हैं, वह भी अपने उत्थान में लगे हुए हैं, किसी ना किसी का भजन कर रहे, उसके प्रकार किसी भी समय और कभी कुयोनि में भी गिर जाए तो भी वह संसार चक्र में नहीं आता, वह कर्म बंधन में नहीं आता। समझ रहे हैं, अगर उसका कोई जन्म हो रहा है तो वह भगवान की इच्छा से हो रहा है ताकि वह आगे भक्ति में प्रगति कर सके। समझ में आ रहा है, अगर वो संसार, आप तो कहेंगे अभी तो आप बोलो कि योनि कुयोनि में जा सकता है दोबारा जन्म लेगा, तो ये क्यों कह रहे हैं कि संसार में नहीं आ रहा है, दूसरा जन्म भी हो ये हो सकता है, तीसरा भी हो, चाहे 100 जन्म भी हो जाए, लेकिन वह उसके जन्म कर्म बंधन के अनुसार नहीं हो रहे, वह भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। समझ, डायरेक्ट इच्छा के द्वारा अनुसार, माया की इच्छा के अनुसार नहीं, उसके कर्म के अनुसार नहीं, ऐसा जन्म होगा ताकि उसके भक्ति आगे आगे वर्धित होती जाए। कदम कानानंद महाराज पे एक विनोद कर रहे थे कि एक बार उनकी गुरुकुल में जब वो सेवा कर रहे थे तो उनके ऊपर जानलेवा कुछ हमला हुआ और मरने वाले थे, तो कह रहे थे कि मैं सोच रहा था अच्छा चलो दोबारा जन्म लूंगा तो गुरुकुल में पढ़ाई करूंगा। ऐसे बोले थे गुरुकुल, ऐसे हमारे शशिकांत प्रभु भी बीमार हो गए थे, कह रहे थे वही गुरुकुल पास में, तो कह रहे थे कोई बात नहीं भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाए तो दोबारा जन्म लेंगे तो हम गुरुकुल में पढ़ेंगे, ठीक है भक्ति करेंगे। अरे सत्य बात समझ में आ रहा है, वह उस प्रकार से दोबारा संसार में नहीं आता है जैसे कोई व्यक्ति कर्मकांड ये तरीके से होता है, ये अर्थ। ऐसा क्यों, तो कह रहे रसग्रह, क्योंकि जिसने रसास्वादन किया है, किसका रस ग्रह समझ रहे, ग्रह मतलब ग्रहण करना, पकड़ा है रस को अनुभव किया है, मुकुंद अंग्री उपगूहनम, भगवान के चरण कमल के आलिंगन का, समझ रहे हैं इसका अर्थ है। उपगूहन शब्द बड़ा सुंदर है, अपने छाती के एकदम पास लगा लेना, मतलब ऐसे समझिए कि भगवान के चरण कमल को अपने छाती पे स्पर्श करा लिया, कहने का अर्थ है कि भक्ति के सुख का अनुभव उसने हृदय में किया है एक बार भी, तो पुनः स्मरण पुनः पुनः उसका स्मरण करते हुए मैं कितना सुखी था, भगवान की भक्ति कर रहा था, कहां मैं भोगों में पड़ा हुआ हूं। समझ रहे, विहातुम न इच्छेत, उन्हें त्यागने की इच्छा नहीं करता, वे दोबारा फिर भक्ति में आने की इच्छा करता है, उसकी मति भोगों में नहीं होती। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं,
एक छोटी सी कहानी बता दूंगा, उसे समझ में आ जाएगा बड़ा स्पष्ट। शिला भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर जी एक मंदिर की या मठ की ओपनिंग करने के लिए गए, कुछ भी एक मठ की ओपनिंग नहीं थी, फेस्टिवल था। तो वहां पे वो आए और उन्होंने देखा कि एक पुराना भक्त नहीं था वहां पे, तो सब काम छोड़ करके कहा उसको ढूंढ के लेके आओ। और वो व्यक्ति पता क्या कर रहा था, घड़ी साज होता है ना, घड़ी साज, यहाँ घड़ी रिपेयर होती है, वहां पे घड़ी, वहां घड़ी पे रिपेयर होती, वहां नौकरी कर रहा था। और फिर जब भक्त गए, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज चाहते हैं कि वापस सेवा में आई, तो तुरंत वो रोने लगा, कहा कि मैं तो बहुत दुखी था, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं मतलब ब्रह्मचारी रहे होंगे जो भी रहा था, साधु मतलब जीवन जी रहा था, भक्ति कर रहा था, और कहा मैं अब यहाँ पे घड़ी का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी कि मैं वापस कैसे जाऊं। आज भी एक भक्त मुझे बोले, हमने कहा जब कर रहे हैं भाई, लॉकडाउन के चक्कर में जब नहीं कर पा रहे थे, और घर में परिवार में कुछ कठिनाई भी थी, पत्नी बीमार है, बहुत कठिनाई थी, तो कह रहे हैं नहीं प्रभु जी मैं जब तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले कर रहा हूँ, मैं 5:45 पे आता हूँ तो मैं सोचता हूँ शर्म आएगी मेरे को, लेकिन मैं अकेले कर रहा हूँ। तो उनको याद था कि जब जूम पे बैठ के बात बढ़ियों के भक्तों के संग माला करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा पता नहीं अभी आए कि नहीं आए, मैंने कहा आ जाओ आज, आपकी आपका ही श्लोक आपके ही लाइफ के लिए, लाइफ से मिलता जुलता श्लोक है, समझ रहे हैं। अच्छा तो यही है कि कभी भक्ति छोड़ी ना जाए, लेकिन अगर भक्ति छोड़ भी जाए जी जाए तो भी उसको भक्ति का जो सुख है वह याद रहता है, वह उसको स्मृति दिलाएगा, फिर वो भगवान के पास आ जाता है सेवा करने के लिए। डज इट मेक सेंस? इतना तो आप समझ में आ रहा होगा, दो कहानी से सारी सारा सार आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। क्रम संदर्भ श्रीजी गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, क्या संसार का क्षय मानव जीवन का पुरुषार्थ नहीं है? अब इसका लिंक क्या है, पिछले श्लोक में कहा गया था कि उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, तो अब बात हुई थी कि भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी जी एक प्रश्न उठा रहे हैं, क्या मोक्ष प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य नहीं है? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं वह भी हो जाता है। भक्ति करते हैं तो मुक्ति तो पहले ही छूट जाती है, वो स्टेशन तो मुक्ति का पहले ही निकल जाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने की इच्छा मात्र कर रहा है वह मुक्त हो जाता है, ठीक है। इसका विवरण यहां दिया गया है, जो व्यक्ति भक्ति को रस को प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह कभी संसार में वापस नहीं आता, स्पष्ट है। त्रिभुवन विभव हे तवप्य कुंठा स्मृति रजितात्म अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह श्रीमद्भागवत 11:53। इसको मैं बोलना नहीं आया तो इसलिए क्षमा कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया कैसे बोलते हैं इसको। तो कह रहे हैं किस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न निस्सृत रस का क्या मादकता होती है, वह शिलाजीव गोस्वामी जी श्लोक को कोट करते हुए कह रहे हैं, भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखा है। भगवान का शुद्ध भक्त उन चरणों कमल को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता, वह भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता, भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों न मिले। भगवान के ऐसे भक्त को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ये जीव गोस्वामी जी ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, भगवान के चरण कमलों, आपने सुना था मुकुंदांग्री उपगुहनम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन करने का मतलब क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है एक वैष्णव के जीवन में, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्या प्रभाव है कि उसे कहा जाए कि तुम आधे क्षण के लिए अगर भगवान को भूल जाओगे तुम्हें तीनों लोकों का राज्य मिल जाएगा, तो क्या कहेगा, नहीं भूल सकता। ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर भगवान ना चाहें तो हम उनको भूल भी नहीं सकते, कुछ समझ में आ रही बात। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ जीवा टू फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को भूल जाना ये असंभव है जीव के लिए, असंभव कार्य भगवत इच्छा से माया के द्वारा होता है। तो ये जो व्यक्ति हैं इस प्रकार के महान भक्त, ये पूरी तरह से माया से मुक्त हैं, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों के रस को आस्वादन करते रहते हैं। रसग्रह पे वो बोल रहे हैं, रसग्रह और मुकुंदांग्री
भगवान के चरण कमलों के आलिंगन की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति का रस कितना सुंदर है। अब हमसे कहा जाए कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, अरे आधे क्षण के लिए क्या, आप दिन बताइए और तीनों लोगों का राज्य की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ, मैं तो भगवत स्मृति में बहुत जल्दी बेच दे रहा हूँ, मतलब आप जॉब दिलवा दीजिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा जीवन ही नहीं याद करेंगे, क्या दिक्कत है। ये भगवान के चरण कमलों के स्मरण या उसके रस के स्मरण, रस के स्मरण की महिमा की बात कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? इतना सुख मिलता है भक्त को जो वाकई भक्त हो जाते हैं भगवान की भक्ति का, भगवान के चरणों का स्मरण करके, कि वो छोड़ नहीं पाते। ठीक है, वह ये उसको गा सकते हैं, मेरे साथ गाइए, मेरे पीछे गाइए, ना पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, मय्यार्पितात्म इच्छति मद विनान्यत्, मय्यार्पितात्म इच्छति मद विनान्यत्। ये तो अच्छा है ना, नहीं नहीं एक ही बहुत सारे श्लोक हैं, फिर आप लोग कहो कि प्रोजी तीन घंटा क्लास क्यों हो गई। ठीक है, जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है वह ना तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता, न योग की आठ सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। जरा समझिए इसको, ये बड़ा रोचक है। श्रीमन चेतन महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे तो खोला बेचा श्रीधर जो कि क्या बेचते थे, केले के पत्ते बेचते थे और अन्य वस्तुएं बेचते थे, तो उनके पास जाते और वो सबसे कम मूल्य पे बेचते थे, फिर भी झगड़ा करते थे, तुम्हारा जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा है तुम मुझे कम में दो, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ। महाप्रभु कहते तुम्हें तो मुझे फ्री देना चाहिए। तो खोला बेचा श्रीधर कहते अरे मैं महंगा दे रहा हूँ तो कहीं और से ले लो। सोचिए, और रोज नियम से दो घंटा झगड़ा करते, ठीक है, फिर प्रायः उनसे फ्री में लेके आ जाते सारा सामान। देखिए जो लक्ष्मीपति हैं वो झगड़ा कर रहे हैं किसके लिए, केले के पत्तों के लिए और उसके लिए, लेकिन वो बात नहीं है, चाहते हैं प्रेम से छीन के अपने भक्त से कुछ लाने के लिए। तो फिर ये बड़ी सुंदर लीला है श्रीवास ठाकुर के यहाँ, जब महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता प्रदर्शित करी, 21 प्रहरी लीला कहलाती, तो खोला कहो सबको बुला कहा खोला बेचा को बुला के लाओ। तो खोला बेचा सीधर जब आए तो महाप्रभु ने कहा क्या चाहिए तुमको खोला बेचा, क्या तुम्हें पूरा यही तीनों लोगों का राज्य चाहिए, क्या तुम्हें अष्ट सिद्धि चाहिए, क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए, बताओ जो तुम चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कहता है नहीं, मैं यही चाहता हूं कि वो जो ब्राह्मण बालक है मतलब निबाई के पंडित के रूप में वो मेरे पास रोज आकर के दो घंटा झगड़ा करता रहे। आप समझ में आ गया, एक ही लीला से समझ में आ गया, कुछ नहीं भक्त चाहते क्योंकि भगवान के भक्त की जो भक्ति का सुख है उसके आगे सब एकदम कैसा है, चारी आगे तृण तोल्य चारी पुरुषार्थ, भक्ति के सुख के आगे ये सारे जो पुरुषार्थ हैं वो कैसे हैं, भूसे के समान है, तृण के समान। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्यों बोल रहे हैं, मुकुंदांग्री उपगुहनम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण करना या रसक ग्रह उसके रस को ग्रहण करने का क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या जीव गोस्वामी जी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहां जीव गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे कि ऐसे भक्त का पतन होता है, हो ही नहीं सकता, खाली ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि रस ग्रह का अर्थ क्या होता है, भगवान की भक्ति के रस को ग्रहण करने का क्या अर्थ होता है, ये व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी, जो पहले कहा गया था कि भक्त का क्या अभद्र होता है उसी का यहां उपपादन किया जा रहा है कि निश्चित रूप से भक्त का कोई अभद्र नहीं होता, मतलब गिर भी जाए तो भी कोई अभद्र नहीं होता। यद्यपि भगवान मुकुंद की सेवा करने वाला व्यक्ति कदाचित दुष्ट अभिनिवेश से ग्रसित भी क्यों ना हो जाए तो भी वह कभी भी कर्म भोगमय संसार में नहीं गिरता। इसके एक छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे, आप लोग सोचते हो मुझे फिलोसफी बोलता रहता हूं, बड़ी सुंदर कथा है, दो कथाएं तो याद आ रही हैं, एक है जगन्नाथ जी के संबंध में। जगन्नाथ जी का एक बहुत अच्छा भक्त था, मैं जगन्नाथ जी पुस्तक है उसको मैं उसे पढ़ा था उसमें, और वह वैश्या के संग से एकदम इसको माइंड डिस्टर्ब हो गया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी और वह वैश्या की गोद में बैठा हुआ था
और एकदम से उसको याद आ रही मैं क्या कर रहा हूं। आप देख रहे हैं ना, एक कुछ कुछ पता नहीं कि कैसे क्यों दुष्ट अभिनिवेश हो, दुष्ट अभिनिवेश समझ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल। अभिनिवेश का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसको, अभिनिवेश उसको हिंदी में अभिनिवेश कहेंगे, वेरी गुड। जैसे हम लोग सोच, हमारा अभिनिवेश है कि हम ये शरीर है, तो माया में रह रहा है जीव, भक्त जीव भी, भक्त भी रह रहे हैं, तो कभी कभी माया के प्रभाव से, इसको चालू कर दीजिए, हीट होना चालू हो जाता, तो माया के प्रभाव से हो सकता है कि उसका भोगों में अभिनिवेश एब्जॉर्प्शन हो जाए, जैसा कि उस व्यक्ति का हुआ। एकदम से भगवान की स्मृति हुई, वो दौड़ करके, वो स्नान भी नहीं किया, दौड़ करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो लीला एकदम याद है। सोचिए कहां बैठा था वो, और जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है, एकदम से दौड़ करके आया। अरे फिर वो क्षमा मांगता है जगन्नाथ जी से, आगे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फिर भक्ति में आ जाता है। एक और कथा है, एक बहुत सुंदर भक्त थे, वो माली की सेवा करते थे श्री रंगनाथ जी की, रंगनाथ जी जानते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध घटना है। बड़े शुद्ध भक्त थे, बड़े भाव से सेवा करते, तो एक बार एक वैश्या जो बहुत सुंदर थी, उसकी होड़ लगी दूसरी वैश्या से कि हम इसका पतन करा के ही मानेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं ये शुद्ध भक्त है, आप इसका पतन नहीं करा सकती। कहते नहीं हम करा के ही मानेंगे। तो उसने कुछ ट्रिक लगा करके गई और उसने कहा कि आप कितने अच्छे भक्त हैं, ये है, जो भी छल किया उसके साथ, और फिर वह उस वेश्या में आसक्त हो गया, भगवान की सेवा को भूल गया। तो उसके बाद भी भगवान कुछ योजना बनाते हैं, अभी पूरा पूरा लीला याद नहीं आ रहा है क्या होता है। हाँ 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 मुझे याद आ रहा है, रगन रंग उसको, हाँ उसके बाद वेश्या को त्याग देती है, तो बहुत दुखी हो जाता है। तो वो चाहता है कि वापस उसको वेश्या का संग प्राप्त हो, तो कहते हैं तुम्हारे पास तो कोई धन ही नहीं है, मैं तुम्हारा क्या, तुमसे पारे संग क्यों करूं। तो वैसे सोच रहा होता है तो उसको रंगनाथ जी का कुछ गहना प्राप्त हो जाता है। मैं थोड़ा ये भूल रहा हूं कैसे प्राप्त होता है, हाँ कुछ मतलब किसी तरह से रंगनाथ जी का उसको जो गहना होता है भगवान का, वो प्राप्त हो जाता है। कुछ भी हुआ है उससे विग्रह, जो भी मुझे अभी डिटेल नहीं याद आ रहा, तो वह उसको गहना प्राप्त हो जाता है और वह उस वेश्या को देने के जाता, हाँ तो जो भी है वेश्या को देने जाता है। तो बाद में बहुत लंबी कथा आती है, फिर वह भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में आ जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार से भक्तों का पतन हो भी जाए तो भी उनको याद रहता है कि भक्ति करके सुखी रहता। चलो एक तो इधर चले आई, भागवत की तो स्टोरी सबको याद होगी। प्रियव्रत महाराज वह नारद जी के संरक्षण में ब्रह्मचारी के रूप में सेवा कर रहे, तो नारद जी से भागवत साक्षात सुन रहे हो, कितना आनंद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, और जूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने सुन बैठ के सुन रहे थे, है ना। और वाकई पक्के ब्रह्मचारी, और हजारों लाखों साल तक वो कर रहे थे, क्योंकि उत्तानपाद का वंश बहुत समय तक चला, प्राचीन परिषद के आगे तक भी चलता ही रहा ना। तो जब बीच में कुछ दिक्कत होती है, मैं अभी याद नहीं आ रहा, कोई जब नहीं होता है राज करने के लिए, कहां तक था, दक्ष हाँ जी, दक्ष जो है वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, अभी मैं भूल रहा हूं, लेकिन कुछ भी हो तो उनसे फिर से बोला जाता है कि आप आइए और राज्य कीजिए। और जब वह राज्य करने के लिए आते हैं ब्रह्मा जी के आदेश पे, गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लेते हैं, फिर बहुत समय तक राज्य करते हैं, बहुत समय मतलब लाखों साल तक। फिर उनको याद आता है क्या फंस गया मैं, ब्रह्मा जी की साक्षात आज्ञा से वो शादी किए, फिर भी उनको याद आता है कि अरे कितना मैं सुखी था नारद जी के संरक्षण में, भक्ति कर रहा था। तो फिर वो सब छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आप देखेंगे कि किसी भक्त का पतन भी हुआ तो भी वह भगवान की वापस भूल नहीं पाता, तो समझ रहे हैं वो इस प्रकार से। और आप भरत महाराज के बारे में जानते ही हैं कि वो हिरण भी बन गए, फिर भी उनको स्मरण रहा कि मैं पिछले जन्म में कितनी भक्ति कर रहा था, ठीक है। परंतु जो कर्मकांड में लगे हैं वे संसार में गिरते हैं, अर्थात वो कर्मकांड कर रहा है, स्वर्ग गया, जो कुछ भी आया, कुछ भी प्राप्त हुआ, अब वो जब गिरेगा मतलब अगली योनि को प्राप्त होगा, वो बिल्कुल कर्म कर्म के अनुसार होगा, फिर वो और भागेगा, फिर उसके बाद कब वो भगवान के पास आएगा, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा, उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इस बात को एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है अगर उसका पतन भी हो जाता है, संभावना है, तो भी वह अगले जन्म से ही फिर से भक्ति करने के लिए आएगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जो केवल अपने जगत के कार्य कर रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, अब वो कहां जाएगा और कहां पहुंचेगा, उसकी कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं है, कुछ निर्धारित नहीं कर सकते कि वो कहां पहुंचेगा,
कब आप किस योनि में जाएगा, दोबारा भक्ति कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर नहीं भी किया, भक्ति का आभास मात्र है, मालूम मरने वाला है और उसने हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया या जो पूरे परिपक्व नहीं हुआ, तो इतना तो शर्तिया बात है कि कम से कम मानव जीवन प्राप्त होगा। समझ रहे ना मेरी बात, कम से कम। और भगवान की भक्ति को वो फिर से स्वीकार करेगा। Does it make sense? लेकिन जो व्यक्ति का भगवान से कोई संपर्क ही नहीं हुआ, वह तो अपने कर्मानुसार कहां कहां गिरेगा, कौन सी योनि में जाएगा, आपको उसके बाद धीरे धीरे प्रगति करते कैसे कैसे वो दोबारा मानव जीवन को प्राप्त होगा। और उस मानव जीवन को प्राप्त होने के बाद भी भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं, तो वो बार फिर उसके बाद फिर वो कुछ गलत कार्य करेगा और फिर वो संसार में पड़ा रहेगा। तो आप समझ में आ गया, जो कर्म मार्ग वाले व्यक्ति हैं वो संसार में पुनः पुनः आते हैं, लेकिन जो भक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और जो भगवान को प्रणाम कर रहा है उसमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान को प्रणाम करने वाला, क्योंकि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो आप अर्थ समझ रहे, जन्म नहीं लेगा मतलब कर्म बंधन के अनुसार जन्म नहीं लेगा। हो सकता है कि इस जन्म में भगवान के पास ना पहुंच पाए, लेकिन उसकी यात्रा शुरू हो गई है, अब वो बार बार भगवान की भक्ति में आएगा, भगवान उसको मौका देंगे। क्या इतना समझ में आ गया सबको? आप लोगों में से कितने लोगों का दोबारा जन्म होगा? मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं, जन्म होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में स्थिति आगे अच्छी ही होगी, ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना? तो इसलिए हाँ, एक निरंतर प्रोसेस है, एक बार शुरू हो गया तो आप भगवान के चरण कमल में पहुंचा के ही मानेगी इसको। प्रभुपाद जैसे एक जगह भक्त लोग फोटो बनाए हैं, भगवान कृष्ण एक भक्त को बाल पकड़कर खींच रहे हैं, चलो 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 भक्ति करो, मैं भक्ति नहीं करना चाहता, तुमने भक्ति क्यों करी, हम आए क्यों, अब मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, ऐसे करके बड़ा सुंदर फोटो बनाए। और आप देख भी रहे होंगे अपने जीवन में कभी कभी मोमबत्ती बुझ जाती है, फिर भगवान उसको लाइट जला देते हैं, फिर होता है ना माया फूंक मार देती है, कुछ लोगों की थोड़ा छोटी वाली मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है, फिर भक्त लोग आकर के जला देते हैं। जैसे भी हमारे आश्रम में ऊपर एक भक्त रह रहे हैं विदेश में, विदेशी भक्त हैं, बहुत अच्छे डिवोटी, वो मुझे खुद बताए कि वो पूरी तरह मतलब घर चले गए थे, माया में चले गए, एक भक्त फोन किया उनको, तुम मंदिर आ रहे हो या मैं तुम्हारे घर आऊं? बहुत बड़ी बात है, कोई घर ब्रह्मचारी उनके घर में पहुंच जाता तो घर वापस आ गया, बात देखो आज ब्रह्मचारी है, खुद मुझे बता रहे थे संन्यास होने वाला, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, जो कर्म कांड में लगे रहते हैं वो संसार में कैसे गिरते हैं, क्वेश्चन बाद में, क्योंकि गुस्सा नहीं होना चाहता मैं, कभी कभी क्वेश्चन सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए हम गुस्सा लास्ट के लिए रिजर्व करते हैं, ठीक। इतना समझ में तो आ गया ना, कर्म मार्ग वाले किस प्रकार से गिरते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कर्मानुसार दुख और सुख न भोग कर भगवान के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुख दुख का ही अनुभव करता है। जब भगवान देखते हैं कि भोग में आसक्त है तो भगवान उसके भोगों को छीन लेते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि, ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रखेंगे, वो समझ में आ रहा है। अब झूठ तो नहीं बोल रहा था ना मैं, मैंने बताया था ना आप लोगों, क्योंकि भक्ति करता है तो भी सुख और दुख आता है, लेकिन वह किसके द्वारा आता है? भगवान कृष्ण के द्वारा। जैसे अपने बच्चे को एक माताजी नीम का जूस भी पिलाती हैं, उड़ीसा बंगाल में तो चलता होगा, इज इट नॉट? आप लोग पिलाते हैं नीम का जूस कभी? अच्छा मैं तो खाली थ्योरी बोल रहा हूँ, मैंने कोई पिया नहीं है, कभी कभी काढ़ा नीम का जूस माँ ही पिलाती है और मालपुआ और हलवा भी खिलाती, दोनों ही बच्चे के हित के लिए है कि नहीं, ये हिसाब किताब। ये श्लोक जरा मेरे पीछे बोलिए, ये वेदस्तुति का श्लोक है, इसे बोलने की शैली थोड़ी अलग है लेकिन है बहुत सुंदर। अरे इतनी मेहनत करी और भूल गया, भगवान ऐसा क्यों करते हो, ऐसा एन एम्बेरसमेंट। त्वदवगमी, हाँ त्वदवगमी न वेति भवदोत्थ शुभाशुभयोर्, त्वदवगमी न वेति भवदोत्थ शुभाशुभयोर्,
गुण विगुण वयांस्तर ही देव भृताम च गिरह गुण विगुणान वयांस्तर ही देह भृताम च गिरह अनुयुगमन वहम सगुण गीत परंपरया अनुयुगमन वहम सगुण गीत परंपरया श्रवण भृतो यतस्त्वमपवर्ग गतिर्मनुजैः श्रवण भृतो यतस्त्वमपवर्ग गतिर्मनुजैः। जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है तो वह अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से उदित होने वाले अच्छे तथा बुरे भाग की परवाह नहीं करता, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे भाग का को नियंत्रित करने वाले एकमात्र आप हैं। समझ में आई बात? वह अपने पाप और पुण्य की बारे में नहीं सोचता है, वह अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचता, वह जानता है कि कर्मों से क्या देंगे और क्या नहीं देंगे वह कृष्ण के अधीक्षण में है, वो वही देंगे जो मेरे लिए अच्छा है। ऐसे समझिए वही उदाहरण को कि माता जी काढ़ा बनाएंगी तो किचन से कुछ सामग्री निकाल के बनाएंगी और हलवा बनाएंगी तो किचन से सामग्री निकाल के बनाएंगी, लेकिन दोनों बच्चे के हित के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा, हमारे कर्मों का स्टॉक बहुत बड़ा है तो भगवान हमको कर्माभास देते हैं। कर्माभास समझ रहे हैं? जैसे सरसों का क्या बोल गए, सरसों रेशम, रेशम के धागे को जला दीजिए तो भी उसका एक आभास रहता है। अगर आप लोगों के पास रेशम की साड़ी हो उसमें पीस काट करके जला के देखिए, ऐसा होता है। इतना तो हम प्राइस नहीं पे करना चाहेंगे लेकिन उदाहरण समझ लीजिए। आपने कभी सुना है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया? अर्थ समझते हैं? रस्सी के जो बल होते हैं वो बल जैसे दिखते हैं लेकिन राख है, वो करेंगे तो उड़ जाएंगे। ये तो उदाहरण सुने होंगे। तो उसी प्रकार से कर्म का एक आभास होता है लेकिन एग्जैक्टली कर्मानुसार नहीं चलता। जो कर्म उस भक्त के लिए दुखी गलत होंगे, उसकी भक्ति के प्रतिकूल होंगे, वो भगवान नहीं देते, चाहे वो सुख भी क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, और देते हैं चाहे वो दुख भी क्यों ना हो। और कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भगवान की कंप्लेन किससे करेंगे आप? इस पे एक भक्त बड़ा सुंदर बोले कि आपको ध्यान देना होगा कि हम ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जो कर्माधीन नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वह हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं, हित ही जानते हैं और हित ही करने वाले हैं। तीनों बात समझ पा रहे हैं? एक एक लाइन बड़ी गंभीर है। हम किसी का हित चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि हम हित करना भी, पहली बात तो कभी कभी हित नहीं करना चाहते, कभी कभी हित करना चाहते हैं तो हित करने का सामर्थ्य भी नहीं होता है ना, और कभी कभी हित करना जानते हैं लेकिन हित करना जान कभी कभी जान नहीं पाते हैं। तो लेकिन भगवान में तीनों ही बातें, भक्त के सुहृदय हैं, भक्त के हित करना चाहते हैं, भक्त का हित जानते हैं और भक्त का हित करते हैं। ये बात विश्वास अपने जीवन में हमको होना चाहिए। ऐसा स्वरूप सिद्ध भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि सामान्य जन उसके विषय में क्या करे। आपके विषय में क्या बात फैल रही है? आपके मोहल्ले में क्या गुणगान हो रहा है? आप लोग पागल हो गए, बाबा जी बन गए, उसकी परवाह आप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भागवत बोल रही, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं। वह प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता रहता है जो हर युग में मनु के वंशजों की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। इस तरह आप उसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। मत समझ में आ रहा है सब बातें? कहने करते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करता, कृष्ण कथा कृष्ण नाम में लगा रहता है, वो कुछ भी दुनिया वाले सोचते रहे और वह अपने कर्मों की परवाह भी नहीं करता। वो जान रहा है कि जो भी मेरे को सुख दुख आएगा वो भगवान की व्यवस्था से आएगा। मैं कल से अब तो समझ में आ रहा होगा। तो ये कहने का अर्थ है कि ये दिखा देता है कि वो कर्म बंधन से मुक्त है। वो जो कर्म जो दुख सुख आ रहा है वो तो भगवान की दक्षता में आ रहा है। कर्म बंधन में आता तो कर्म वासना में नहीं होती और भगवान की भक्ति की इच्छा नहीं रहती। हे भगवान, मेरे डिवोटीज कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भाई इस जगत में हम सुख दुख भोगते रहते हैं तो कभी इच्छा आती कि मैं जप करूं हरि नाम का, कि मैं भागवत सुनूं। जैसे अभी हमारे एक भक्त, में नाम नहीं रख रहा हूं, उनके भाई मरने वाले हैं, रियली मरने वाले हैं, लेकिन वो भागवत क्लास में बैठे हुए।
अब देख रहे हैं श्लोक अपने जीवन में घटित होते हुए। अन्यथा लोग किसी का भाई मर रहा हो तो भागवत क्लास में बैठेगा वो। अब इसको आप कहेंगे संसार वाले क्या कहेंगे, कहते रहना। जो अगर उनको कहा जाए कि यहां पे आके संस्कार कर दो, कोई मानेगा? कोई मानेगा तो है नहीं। या उनको यहीं पे लाके शरीर छुड़वा दो, वह भी नहीं मानेंगे। बस कभी कभी मान जाते हैं। मेरी नानी को, नानी मरने वाली थी तो मैंने कहा भाई मरना ही है, लखनऊ में मरे, रास्ते में मरे या ब्रज में मरे? देखो मर गई ब्रज में, एकदम मेरे सामने आई हॉस्पिस में, पानी पी रही थी, फिर मैं गेट का दरवाजा, कार का दरवाजा खुला, फिनिश। खैर एक डिफ्लेक्शन हो गया। ये तो दिख रहा है ना कि भगवान की अध्यक्षता में शरीर छोड़ा गया इस प्रकार से। तो भक्त कभी गर्भ बंधन में नहीं होते। शुद्ध भक्त की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूं। प्रभु जी हम कहां, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने वालों के लिए तो बोला जा रहा है भाई, महा परमहंसों का पतन नहीं होता है, स्ट्रगल करने वालों का ही पतन होता है, अगर हुआ तो। ठीक है, अब श्लोक देखिए बोल रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है कर्म बंधन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी भक्ति की रुचि जा नहीं रही है। कर्म बंधन में फंसा रहता तो भक्ति में कहां रुचि होती। आवाज आ रही कि नहीं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कोई आवाज तो आ रही है कम से कम। ये श्लोक इतना सुंदर है, भगवान आज अपनी इतनी कठिनाई क्यों दी, दोनों नेट गायब हो गए। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते। वैष्णवों का जन्म कर्म के कारण नहीं होता। मतलब जन्म तो हो सकता है लेकिन कर्म के कारण नहीं होता है। आप देख रहे हैं भक्ति की कितनी सुंदर महिमा। एक भक्त बता रहे थे कि बचपन में वो रामचरितमानस पढ़ते थे, फिर थोड़ा पतन हो गया, मतलब उनका नहीं उनके परिवार का ही महापतन हो गया, सब लोग मायावादी संस्कार क्या कह सकते हैं उसको, संस्था को ज्वाइन कर लिए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। 20 साल उसमें निष्काम भाव से निष्ठापूर्वक भजन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अकस्मात फिर भक्तों के संग में आ गए। अब दिख रहा है ये भी एक प्रकार का पतन है ना, भक्ति छूट गई आपकी। अपने पूर्वाभ्यास से ही वह भगवान मुकुंद के चरणों के मानसिक आलिंगन का स्मरण करता है, अर्थात उसने भगवान के भक्ति का क्या सुख प्राप्त किया है उसको याद रहता है। ठीक है, और उसको त्यागना नहीं चाहता। यहां यह श्लोक यह नहीं कहता है कि भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके, अपितु उनके चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके। जरा फिर संस्कृत देख ली जाए, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनम पुनर। संस्कृत दिखाइए क्या लिखा है, देखिए स्मरण, स्मरण करता है मुकुंदांग्रि पुनर नहीं लिखा हुआ है, मुकुंद अंग्रि, मुकुंद मतलब भगवान जो मुक्ति देने वाले हैं, अंग्रि मतलब चरण कमल, और उपगुहनम मतलब आलिंगन को, यानी कि भगवान की चरण कमल के आलिंगन का अर्थ हुआ कि भगवान की जो भक्ति कर रहा था उससे जो सुख मिल रहा था उसका स्मरण करता है। इसीलिए तो कह रहा हूं पहले पढ़ के आया करो आलसियों, नहीं पढ़ के आएंगे तो कैसे समझ में आएगा। जैसे मैं केमिस्ट्री क्लास में पढ़ने जाता था उस तरह से मुझे याद आ रहा है कि उसको कथा को पार करते थे। एक दिन मैं मंगल आरती गया था, मतलब गया उसका नींद आ रही थी, क्लास में सो गया तो टीचर को बड़ा गुस्सा आया, कहता वेक अप दैट मैन, ऐसे करके बोला। बड़ा उसे खराब लगा, उसको यह अहंकार था कि बहुत अच्छा पढ़ाता है। उसे पता नहीं था केमिस्ट्री मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी। बड़ा उसे वेक अप दैट मैन। एनीवेज शक्ल याद है उसके, उसकी ये रसग्रह था, मैं उसका शक्ल तो याद, उसके शब्द याद आ रहे हैं लेकिन उसकी शक्ल याद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है भक्ति का जो रस है, भक्ति का सुख है, उसको व्यक्ति भूल नहीं पाता है। अच्छा, पुनः शब्द का उपयोग है। इन दोनों शब्दों का अभिप्राय यह है कि यद्यपि अपनी इच्छा से और दुर्अभिनिवेश के कारण वह एक, दो या तीन बार भगवान की सेवा छोड़ सकता है, परंतु कुछ समय के बाद भगवान की सेवा में मिले सुख का स्मरण करके और अपनी वर्तमान दुखमय स्थिति का स्मरण करके, जिसमें वह भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है, वह पछतावा कर रहा है। ये कहानी मैंने कोई पहले सुना दी ना, घड़ी वाली, जो व्यक्ति घड़ी के यहाँ काम कर रहा था, घड़ी वाले के यहाँ, ओह
मैंने मूर्तावश क्या कर दिया, ये उसका विचार कैसे सोचता है चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं। परंतु जो भी हो अब मैं भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार वह भगवान की सेवा पुनः प्रारंभ करता है। वैसे यह कथा तो मैं कई बार कह चुका हूं लेकिन बड़ी आस्वादनीय लगती है इसलिए फिर से कहेंगे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य बड़ा मजेदार है ना, सर्फिंग करते थे भक्ति में आने से पहले बड़ा मजेदार लगते ना कथा। तो एक दिन भाग गए, पुजारी थे रुक्मणी द्वारकाधीश के, बड़ा सबसे बड़ा मंदिर है मैंने जो सुना है लॉस एंजलिस में, और एकदम भागे वहां से और आके सर्फिंग करने लगे। आपको पता है कि स्वागत किसने किया, शार्क ने। उनके चारों ओर शार्क घूमने लगी, सारी आरतियां याद आ गई, रसक ग्रह जना मुकुंद सॉरी तंसारा दावनला नरसिंह आरती तुलसी आरती, हे भगवान आज बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए। तो फिर उस दिन शार्क ने कहा कि आज हम लोग फास्टिंग करते हैं, वो तुरंत आजादी एकादशी के दिन है, भगवान का स्मरण करेंगे हम, तो आज नहीं उसको नहीं खाया। आप लोग हंस रहे हो, कभी सोचो शार्क सब तरफ घूमने लगे आपकी तो क्या हालत होगी, टाइट हो जाएगी हालत। और वो भी एक नहीं तीन चार सोच रही होगी, इसका 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 लेग पीस मैं लूंगा टांग में खाऊंगी, है ना। शार्क आपने देखी नहीं, भारी, आप बाद में सर्च कीजिएगा, शार्क बहुत डरावनी होती है, उसके दांत ही इतने इतने बड़े बड़े होते हैं मगरमच्छ की तरह, खा जाती है इंसान को, बहुत खतरनाक है। हाँ सही बात है, अगर ये बड़ा अच्छा है मेडिटेशन है, चार बंदर घेर लेंगे तो आप डर जाओगे, है कि नहीं, नरसिंह आरती चालू हो जाएगी, शार्क घेर रही तो क्या होगा। अब देखिए आप सोचेंगे ना कि क्यों ऐसा हुआ, भाई हो ही जाता है, क्या कर सकते हो, पुरानी को आदत थी सर्फिंग की तो चले गए, सर्फिंग समझ रहे, इंटरनेट सर्फिंग नहीं पानी में, समझ गए होंगे सर्फिंग का क्या होता है, वो कुछ लकड़ी का पट्टा लगा करके उसमें चल रहे थे। वापस आए, टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा कहाँ गया था, तो बोला कहीं भी गया था आप कहीं नहीं जा रहा और मरने पर्यंत तो भगवान की सेवा करते रहे। एक और उदाहरण बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, इसमें कुछ और बात थी जो मैं नहीं बता पाया। हयग्रीव प्रभु आप जानते हो, प्रभुपाद जी के डिसाइपल और बहुत प्रभुपाद जी की सेवा की, फिर वो माया में गिर गए थे आप जानते हो, उसके बाद फिर वह भक्ति में आए, कई साल भक्ति में भूले रहे, फिर मृत्यु के समय भक्ति में आए। तो जो शरीर छोड़ने वाले थे उससे पहले उनके वक्तव्य बड़ा सुंदर था, कहते मुझे एक ही दुख है कि मैं जितनी प्रभुपाद जी, मैं बोल रहा हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ, कि जितना मैं प्रभुपाद जी की सेवा कर सकता था मैं कर नहीं पाया जीवन में, ये उनको एक मतलब मलाल रह गया, अफसोस रह गया। खैर जो भी हो, फिर वो अंत में आया और फिर प्रभुपाद जी उनको वापस लेके चले गए। तो कितने उदाहरण आप देख रहे हैं कि नहीं, एक बड़ा रुचिकर उदाहरण है। एक व्यक्ति था, यही वृंदावन की घटना, वो मंदिर छोड़ के भाग जाता, फिर छोड़ के फिर आ जाता, फिर छोड़ के भाग जाता, 11 बार ऐसा किया उसने। तो उन्होंने कहा अब हम तुमको नहीं लेंगे, तो प्रभुपाद जी के पास वो रोने जाके रोने लग गया। तो प्रभुपाद मंदिर के प्रेसिडेंट को बोला भाई क्या बात है, कहता है प्रभुपाद जी 11 बार भागा है 11 बार गया, 11 बार आया, 11 बार गया, आया आया गया ऐसे कर। तो प्रभुपाद जी रोने लगे, कहने लगे कि अगर हम आश्रय नहीं देंगे इसको तो उसका आश्रय क्या है। तो उसको रखा गया, फिर दोबारा वो नहीं गया, वो सेवा करता रहा। हमारे आश्रम में एक भक्त है, अच्छे खासी भक्ति कर रहे थे, पिताजी के मरने पे भी नहीं गए, इतने दृढ़ थे, और अकस्मात उनका मन घूम गया, घर चले गए। फिर फोन आया, प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा है। अब समझ रहे हैं घटित होते हुए, अच्छा बच्चा था, जान रहे किसकी बात कर रहा हूं। और एक तो आप जानते हो, जो भी मर गया राजीव नाम था, वो गया फिर वापस आया 6 महीने बाद, बिल्कुल शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही, फिर चला गया, फिर एक बार आया था और फिर चला गया, फिर अब वो मर गया, अब नहीं आ पाया, लेकिन अब दोबारा फिर वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। अब तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल दिया, अब तो समझ में सबको आ ही गया। अच्छा, यहां श्लोक में कहा गया है कि वह छोड़ने की इच्छा नहीं करता, ना कि वह छोड़ता नहीं है, बहुत सूक्ष्म विचार है। देखिए संस्कृत अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं शब्द है न इच्छेन, इच्छा नहीं करता कि मेरी भक्ति छूटे, ऐसी वो इच्छा नहीं करता। इसका क्या कहने का अर्थ है, प्रयोजन है, इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इच्छा नहीं करता। ये भी तो कह सकते थे कि वह भक्ति नहीं छोड़ता। तो देखिए कितना सुंदर टीका कह रहे हैं, इससे उसका गर्व राहित्य सूचित होता है, मैं भगवत भजन कभी नहीं त्यागूंगा, मैं केवल इच्छा मात्र कर सकता हूं परंतु इसका निर्वाह तो भगवान के हाथों में। कितना सुंदर अर्थ, समझ रहे हैं, भक्त का पतन हो गया फिर भक्ति में आ गया,
फिर भी उसको यह गर्व नहीं होता है कि मैं अपने सामर्थ्य से जीवन भर भक्ति कर पाऊंगा। वो नम्र ही रहता है कि हो ही चुका है गड़बड़ और कभी भी हो सकता है कि मैं माया के प्रभाव में चला जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं माया में चला जाऊं। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी दशम स्कंद में समझाएं कि माता देवकी को बहुत डर था कंस से, तो उसी प्रकार से भक्त को भी इस जगत से डर होना चाहिए और इसके द्वारा जो उसके हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि जो असुर है वो मर जाएंगे। समझ रहे हैं? भक्त को कभी गर्व नहीं होता होता है कि मैं कभी माया में नहीं पड़ूंगा इत्यादि इत्यादि, ऐसा कभी नहीं। वो डरता है बहुत, भगवान अगर रक्षा करेंगे, ठाकुर जी रक्षा करेंगे तो मैं जीवन में भक्ति कर पाऊंगा। कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी रह जाऊंगा या मैं ये कर लूंगा, मैं ना, वो कुछ नहीं। भगवान की माया बहुत शक्तिशाली। आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो भक्त ने पूछा आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं माया में ना गिर जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप माया में आप नहीं गिर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते इसीलिए नहीं गिर सकता हूं क्योंकि मैं प्रार्थना करता रहता हूं। तो जान रहे हैं कि कितनी शक्तिशाली है माया। तो ये समझ में आया, ये अच्छा लगा आपको ये बात? कितना सुंदर बात है, उसकी इच्छा नहीं है कि दोबारा पतन हो जाए और वो चाहता है कि भगवान रक्षा करेंगे तो मैं भक्ति में बना रहूंगा। हर भक्त को डर होना चाहिए कल में 16 माला हो पाएगी कि नहीं, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, एक चिंता होनी चाहिए, सुर पर उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, ये आशय है। ये समझ में आ गया? भगवत भजन को त्यागने की इच्छा न करने के कारण को कह रहे हैं। क्या कारण है कि भगवान के भजन को नहीं त्याग पा रहा? तो कह रहे रसग्रह। रसग्रह शब्द से अर्थात जो रस को चखने का इच्छुक है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, रसगुल्ला ग्रहण कीजिए, मतलब चखिए उसको, स्वीकार कीजिए। तो कह रहे हैं रस को चखने का इच्छुक है या जिसको ऐसा स्वाद प्राप्त है जिसने उसे भूत की तरह ग्रहण कर लिया है और उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। दो अर्थ है। अब देख रहे श्रीमद् भागवतम कितनी डेप्थ, कितनी डीप है, मैं तो खुश हो जाता हूं, क्यों और कोई ग्रंथ पढ़ेगा। एक रसग्रह मतलब वह रस को पकड़ना चाहता है, रस को प्राप्त करना चाहता है, दूसरा रस ने ही उसको पकड़ लिया है। भगवान की भक्ति इतनी अच्छी हो गई है कि वो कुछ और कर ही नहीं सकता। समझ रहे ना? एक है कि प्रेम कृष्ण मुझको पकड़े और एक है कि मैं प्रेम कृष्ण को पकड़ लूं। अगर मान लीजिए दोनों अर्थ हो सकते हैं कि नहीं, तो ये बात वो बोल रहे। क्यों नहीं टीका पड़ेगा बताइए? कितना सुंदर टीका लिखी गई और उसकी निवृत्ति संभव नहीं, मतलब कुछ भी कर ले वो भगवान की भक्ति छोड़ नहीं सकता है। अर्थ यह है, अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, इसलिए हम येलो में रखे हैं इसको। अर्थ यह है कि निष्ठा रुचि और आसक्ति के बाद भगवान की सेवा में वास्तविक रस का अनुभव रति यानी भाव के स्तर पर होता है, परंतु यह समझना होगा कि पहले दिन से ही भगवान की उपासना में कुछ रस अनुभव होता है, परंतु यह है डका रहता है। क्या आप लोगों को लगता है कि मैंने प्रवचन में बोला है? झूठ तो नहीं बोला हूं? झूठ तो नहीं बोला था ना? सच बोला था ना? श्रद्धा के स्तर पे ही आपको कुछ अच्छा लग रहा है तब यह भक्ति कर रहे हो, नहीं तो नहीं करते। लेकिन ऐसा एकदम स्पष्ट नहीं लगता है कि क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन सभी को अनुभव है ना कि कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है और आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि हाँ भाई ये तो रस में है कि नहीं? हमने कई बार उदाहरण दिया कि इस कथा से तो किसी को पैसे प्राप्त होने वाले नहीं है, तब क्यों आ रहे हैं अगर रस नहीं है और बाध्यता भी नहीं है? Does it make sense? देखिए जो शास्त्र में लिखा है वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे तो फिर आपको शास्त्र पर सहज विश्वास हो जाएगा। आचार्यगण जो बात बोल रहे हैं वो अनुभूत बात है, इसलिए आपको अपने जीवन में घटित होते हुए देखेगी। अभी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता अभी। हाँ तो अभी इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ तो यही तो आप समझ गए, आप समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ भाव, समझ रहा हूँ। लेकिन ये समझिए जो निष्ठा के बाद स्पष्ट दिखने लगता है, और यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं रुचि आसक्ति और भाव, भाव स्तर पे आपको एकदम अनुभव होने लग जाएगा। तो इसलिए अपने अनुभव पे मत जाइए अभी कि अभी कैसा लग रहा है। भक्ति करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आगे जा करके आपको एकदम साक्षात अनुभव होने लगेगा कि हाँ भाई इसमें ऐसा रस है। तो दो प्रकार के अर्थ हुए,
जो शुरुआत में प्रारंभिक रूप से भक्ति कर रहा है तो वह रस का इच्छुक है, रस कुछ अनुभव कर रहा है तभी तो भक्ति कर रहा है, लेकिन आगे की अवस्थाओं में आसक्ति इत्यादि में एक व्यसन बन जाता, कह दिया जाए कि कथा नहीं करेंगे तो हो नहीं सकता है। जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी खाना नहीं खाते थे अगर उन्हें कृष्ण कथा करने को नहीं मिले, कह रहे शरीर को रखने का खिलाने का फायदा ही क्या जब कथा करने को नहीं मिली। काफी इंटरेस्टिंग है ना, इस शरीर को खिलाने का, जैसे इंजन में हाँ पेट्रोल डालने का क्या मतलब हुआ इस तरह से। और ये भी मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को कुछ इनका एक नियम था, इतना अनुवाद करेंगे तभी खाना खाएंगे, शायद ऐसे भी मैंने सुना है ना। नहीं नहीं अरे ऐसे ही खाना नहीं खा रहा है, इसको मैं समझाओ ठीक है। तो ये समझ में आ गया, रसाग्रह के दो अर्थ, एक कि भक्ति का रस प्राप्त करने का इच्छुक है और दूसरा है कि रस ने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मेरे पीछे बोलिए, भक्ति परेशानुभवो, ये इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, अनुभवो होना चाहिए, भक्ति परेशानुभवो विरक्तेर, भक्ति परेशानुभवो विरक्तेर अन्यत्र चैषात्रिक एक कालः, अन्यत्र चैषात्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यो, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यो तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके तीन प्रभाव एक साथ होते हैं, एक भक्ति, भक्ति बढ़ती है, पर ईशानुभव भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और विरक्ति, क्योंकि भगवान का अनुभव प्राप्त हो रहा है, भगवान का रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए जगत से विरक्ति हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि आज शाम को हम न्यूज़पेपर पढ़ते तो बड़ा अच्छा होता, अब समझ में आ गया कि नहीं, कथा अच्छी लगती है तो न्यूज़पेपर की कोई आसक्ति होती ही नहीं, ठीक है। अन्यत्र चैषात्र का एक काल, एक साथ ही होता है, एक साथ ही भक्ति बढ़ती, भक्ति बढ़ती है तो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, यानी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना आपको भगवान का अनुभव प्राप्त होगा और उतनी मात्रा में जगत से विरक्ति होगी। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, भक्ति बढ़ने से ही अपने आप एक साथ हो जाता है। जैसे प्रपद्यमानस यथाश्नतः तु, जिस प्रकार से व्यक्ति खाना खाता, अश्ना मतलब खाना खा रहा होता है, तुष्टि बहुत बढ़िया बना, वेरी नाइस, पुष्टि शरीर में बल आता है, शुद्ध पाया भूख शांत हो जाती है। अगर आधा पेट खा के उठेंगे तो भूख, कुछ भूख लगेगी, लगेगी, समझ रहे हैं। अगर आठ रोटी की भूख है और एक रोटी खाएंगे तो भूख लगेगी कि नहीं, तो इसलिए श्लोक बोला जा रहा है कि जैसे आप जितनी मात्रा में खाएंगे उतनी तुष्टि होगी, उतनी पुष्टि होगी, उतनी भूख शांत होगी। तो जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ जाएगी उतनी मात्रा में ईश्वर अनुभव प्राप्त होगा, उतनी मात्रा में विरक्ति होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पहले कौर से न तुष्टि आई, न पुष्टि आई, न भूख शांत हुई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे पहला कौर खाया कुछ तुष्टि मिली कि नहीं, पहले कौर में आहा क्या बनाया है, अरे खाना छोड़ दीजिए, देखने से पहले देख के ही खुश हो जाते, वाह 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 करुणा मित्र क्या बनाया फीस्ट, देख के खुश हो जाते ना, करना है तो आगे की बात है। तो अब खाते तो हम लोग आहा हा नहीं करते, तो बोलते ही हैं आहा क्या बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया। तो हर कौर में पहले कौर के संग, मैं कुछ प्रयोजन कर लेके बोल रहा हूं, पहले कौर के संग तुष्टि होती है कि नहीं, कमजोरी तो आई जाती है सुबह तक 9 बजे के बाद, तो 9 बजे कुछ खाते हैं तो कुछ पुष्टि आती है कि नहीं, और कुछ भूख शांत होती है कि नहीं। क्यों कह रहा हूं, भक्ति के पहले दिन से ही आपकी भक्ति बढ़ना शुरू हो गई, समझ रहे हैं, कुछ भगवान का अनुभव हुआ, कुछ भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव हुआ, समझ रहे हैं, और फिर कुछ जगत से विरक्ति हुई, कम से कम ये तो विरक्ति हो गई, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ भोगों में, इतना तो आ ही जाता है, ये भक्त लोग कितने सुखी है, मैं कहाँ भोगों में पड़ा हुआ हूं, नहीं। अब जब और भक्ति करेगा, और भक्ति करेगा तो और विरक्ति आएगी, और भगवान का अनुभव प्राप्त होगा, मेक सेंस, ठीक है। ये श्लोक बहुत वैज्ञानिक श्लोक है। अच्छा, ये सब मालूम कैसे चलता है, जब हमें तुष्टि होती है तो कौन बताता है, भगवान बताते हैं, ठीक ठीक, और पुष्टि का अनुभव कौन करता है, हम लोग करते कि नहीं, और भूख समाप्त हो गई ये कौन अनुभव करता है, समझ रहे हैं। तो कहते हैं प्रभु जी हमारी भक्ति में प्रगति हो रही, कैसे मालूम चलेगा, ये से मालूम चलेगा, जगत से विरक्ति हो रही है, कितनी मात्रा में विरक्ति हो रही है, भगवान का अनुभव क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब हमारे अभी भक्त है, उनके घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो वृंदावन आ गए, तो जिनका पत्नी से झगड़ा होता है सब वृंदावन जाते हैं ना, हित्वात पापम गृहमंद कूपम वनोंगत यद हरियमाश्रय, तो सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो दुख पड़ा तो भगवान की स्मृति हुई, अच्छा हुआ कि नहीं, कौन दिया दुख, कर्म, कर्म दिया, कृष्ण दिए,
अच्छा है कि नहीं, अब समझ में आ रहा है? सारी पत्नी से झगड़ा करने वाले पति जो है वृंदावन ही आते हैं नहीं आते ना सारे? दुख के समय भगवान याद आते हैं, ये कौन कौन याद दिला रहा है? वो कृष्ण ही याद दिला रहे, बाकी क्यों याद नहीं आता? बहुत बार तो लोग बहुत सारे कार्य करेंगे, शराब के पास शराब पीने लग जाएंगे, लेकिन भगवान के पास नहीं आते यार एक विनोद के लिए बोल दिया मैंने जिस व्यक्ति ने बोला मैं तो हंसी आती है, लोग दुखी में भी दुख में भी आते हैं भगवान के पास तो मुझे हंसी आती है, हमने कहा देखो भगवान खींच रहे अपने पास। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये अन्य वस्तु मतलब जो भगवान से संबंधित नहीं है, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये एक सभी एक साथ और अधिक अधिक होते जाते हैं। समझ में आई? ये क्यों बोल रहे हैं कि पहले दिन से ही हमको रस अनुभव होना शुरू हो गया, अब इस रस का अनुभव को बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे आपको यह रस अधिक और अनुभव होता जाएगा। ठीक है, रसग्रह पे बोल रहे हैं प्रभु जी। कथा में सिंह कहां से आ गया? ये तो बड़ा डर लग रहा है देख के इसको। सिंह कहां देख रहा है? पीछे देख रहा है, ऑलमोस्ट यही फोटो मिली, इससे पीछे देख नहीं पा रहा था वो, शायद से गर्दन में दर्द होगा। तो इसे कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। ये कई बार आपको श्रीमद् भागवत में बात आएगी, सिंह कुछ चलता है आगे और पीछे मुड़कर देखता है। तो उसी न्याय के अनुसार जो नारद जी पहले कह रहे थे कि भक्त का कोई नुकसान नहीं होता, वही श्लोक में फिर से कह रहे हैं। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि फिर से उनके मुख से प्रकट हो रही है। मैं जूम वाले भक्तों को एक बार देख लेता हूँ, भाई आवाज सुनाई पड़ रही है या फ्रीज हो रहा है कुछ? ओके, भगवान की कृपा से चल रहा है, ठीक है। यहाँ सिंह अवलोकन न्याय से वही कह रहे हैं जो श्री नारद जी ने श्लोक क्रमांक 1.5.17 में कहा था, अर्थात भक्त की क्या हानि होती, त्यक्त्वा स्वधर्मम वाला श्लोक जो हम लोग शनिवार को चर्चा किए थे। अब देखिए वह कुछ और बातें भी कह रहे हैं, अंग शब्द पे क्या कह रहे हैं। आप भी भगवत अवतार होने के कारण मेरे अंग के समान हैं, इसलिए इस रहस्य को सुनिए। इसको सूचित करने के लिए संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे अंग, अंग शब्द आया था ना, अंग संस्कृतिम, तो कहना है कि भी मैं भी भगवान का अवतार हूं। नारद जी आप भी भगवान के अवतार हैं, क्षमा कीजिएगा, नारद जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, व्यासदेव आप भी भगवान के अवतार हैं, आप इस रहस्य को सुनिए। ये रहस्य में बात है कि नहीं, ये रहस्य में बात है कि नहीं कि भगवान का भक्त चाहे परिपक्व भी क्यों ना हो वह कर्म बंधन में नहीं होता? ये रहस्य में बात है कि नहीं? तो कह रहे हैं हे अंग, जो व्यक्ति अपने आप पास का होता उससे रहस्य कहते हैं कि नहीं? इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि इसलिए अंग कहके संबोध कह रहे। कुछ बातें कॉमन भी हैं, लेकिन कल एक बात आई थी तो किसी भक्त से अपराध हो जाए तब क्या होता है, तो इसलिए मैं टीका को रखा हूं। मुकुंद सेवी जन कभी भी संसार में नहीं आता है, ये समझ में आके संसार में नहीं आता है, अर्थात कर्मबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। और यदि किसी प्रकार महद अपराध मतलब बड़ा कोई अपराध या किसी भक्त के प्रति अपराध या शाप आदि के वश में वह आता भी है तो अन्यवत अर्थात कर्म मार्ग में निष्ठ व्यक्तियों के समान नहीं आता है। अब आप लोग जरा मैं अच्छा है आपने स्मरण दिलाया, चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर बन गए, असुर बन गए ना, फिर भी क्या भक्ति भूले नहीं। इंद्रदुम्न महाराज हाथी बन गए फिर भी भगवान को शाप दिए थे उनको, तो वह भी भगवान के स्मृति आ गई ना टाइम से। जड़ भरत किसी कारण से जो भी कारण रहा हो वह मृग बन गए फिर भी भगवान की स्मृति गई नहीं। अब भी कोई डाउट है तो अब हम आपको क्या अपराध करने का लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई अब तो खुली छूट मिल गई, अब जम के अपराध करो, ऐसा बोला जा रहा है? ये सोचिए कि अगर अपराध होता है तब भी व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं पड़ता है तो अपराध नहीं करेंगे और भक्ति करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? अभी आप लोग सुनने वाले हैं, 4 महीने में नारद जी को कृष्ण प्रेम मिल गया था, इतनी शक्तिशाली है भक्ति, इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि हम अपराध करें क्या मुक्ति न्याय है यहाँ पे कि अगर अपराध भी किया है तो भी वह संसार में नहीं गिरता है एक कर्मी की तरह, और उसका अपराध का जब मार्जन हो जाता है तो भगवान फिर उसको भक्ति में लेके जाते हैं, भगवान व्यवस्था करते कि सेवा तो किया ना उसने। डज इट मेक सेंस? तो कल कौन पूछ रहा था मुझसे, आप ही तो पूछ रहे थे
कि प्रभु जी हाँ मुझे आपकी बात इसीलिए अपराध वाली बात था कि भक्तों का अपराध हो जाता है या पाप हो जाता है, तो क्या यही प्रश्न था ना आपका? माइक पे पूछिए, अच्छा प्रश्न किए थे ये, अच्छा प्रश्न किए, इस टीका का एकदम क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल भी गया होगा, फिर भी आप पूछिए फिर से क्या प्रश्न है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी किए थे। असल कुछ भक्त लोग होते हैं, उनको पता होता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ, फिर भी जानबूझकर भी करते हैं, उसकी गति क्या होती है? अब समझ में आ गया। मान लो निम्न गति भी क्यों ना हो, यही तो बोल रहे दूर अभिनिवेश के कारण, मान लो अपराध की वजह से गलती हो भी जाए, अपराध किया भी है, तो भी भगवान उसकी सेवा को नहीं भूलते, फिर उसको कुछ थप्पड़ मारेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर उसे भगवान की भक्ति में लेके आएंगे। Does it make sense? ये क्लियर हो गया? तो आप लोग आराम से अपराध करेंगे अब? नहीं, अपराध नहीं करेंगे। मुझे याद है परम पूज्य राधा रमण महाराज की बात, देखिए कुछ बातें ना एकदम तीर की तरह धंस जाती है, इसीलिए क्लास में जरूर जाना चाहिए। बोले भक्ति इतनी कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी बात महाराज बोले। मैं उस क्लास में साक्षात बैठा था, महाराज कोई बोला कि अपराध करते हैं तो उस भक्ति एकदम खत्म हो जाती है, तो महाराज बोले भक्ति इतनी कमजोर नहीं है कि जरा से कुछ अपराध हो गया तो आपको खत्म ही हो जाएगा, अब तो मैं कुछ भुआ ही नहीं, बच गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ हो सकता है कि आपकी रुचि समाप्त हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोड़ एकदम ही खत्म हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव में देखिए ना, जब वैष्णव की सेवा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, तो कितनी भक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी व्यक्ति भक्ति करता है वो कभी नष्ट नहीं होती, कवर हो जाती है लेकिन वो नष्ट कभी नहीं होती। ठीक है, मैं जानबूझ के हाईलाइट किया ताकि अब ये डाउट कभी नहीं आए। ठीक है, अब आप खुल के अपराध कर सके, नहीं करेंगे? ठीक। वह उनके समान दुराचार नहीं करता एवं उनके समान दुख भी अनुभव नहीं करते हैं। ये कुछ समझ में आई? उनका दुराचार कर्म वासना के द्वारा नहीं है, कुछ अपराध था, कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसा हल्का सा अभिनिवेश, इसलिए वो गिर गए। यहां तक कि अपने जीवन में देख लीजिए, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा, भक्ति में आने के बाद भी कोई दुराचार नहीं किए ना, कभी 4-5 साल में एक बार ना, कभी नहीं करते ना। मुझे याद है कि एक हम लोग लखनऊ गए, एक व्यक्ति को भागवत दिए, घर में गए, बोले चाय पियेंगे, चाय तो हम लोग पीते नहीं। अरे वो ब्रह्मचारी आपके जो आए थे वो तो पीते हैं। अब वो ब्रह्मचारी जो उनके घर में जाके चाय पिए, वो सोचा कि किसी को मालूम तो चलेगा नहीं, पी लेता हूँ कि नहीं, क्या रे इतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अपराध तो है ब्रह्मचारी की दृष्टि से, तो बहुत बड़ा अपराध, चाय क्यों पी लिया तुमने? लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि भक्त से कोई पाप होता भी है तो तुरंत उसको ग्लानी हो जाती है, ऐसा नहीं कि उसकी आदत बन जाती है, उसको वह दुराचार करते हुए भी सुख अनुभव नहीं होता है। इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैं अब नाम तो नहीं रख सकता, मैंने अपने आंखों से देखा कि जब मैं ज्वाइन किया था व्यक्ति ब्रह्मचारी थे, लाल कपड़े में थे, बहुत गलत गलत काम किए, मैं उनका नाम वर्णन नहीं करना चाहता, आज वो ठीक से भक्ति कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा रहता है, कुछ रहा जो पहले कुछ भी कारण से उनको कुछ समझाया जाता था, वो समझ में नहीं आता। We don't know, mostly संगति दोष होता है, कितना भी गलत कर लीजिए, जो भगवान को प्रणाम किया, सेवा किया, भगवान कभी नहीं भूलते। ठीक है, अब वो मुझे कह रहे थे अभी समझ में आता है कि जब ठीक से करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें थोड़ा देर हो गई, पहले समझ में आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन उस समय समझाते भी ना तो भी समझ में नहीं आता, उसको समझाते तो भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों को दुराचार करने के लिए कह रहा हूं नहीं, लेकिन उसका दुराचार उस तरह से नहीं है जो कर्म बंधन फंसा हुए जीव का दुराचार होता है। ऐसा कैसे है? तो कह रहे हैं कि मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता भगवान के चरणों के आलिंगन का स्मरण करके वह उनको पुनः नहीं त्यागना चाहता है। समझ रहे हैं, कर्मी व्यक्ति दुख भोगता है अपने कर्मों के कारण और उससे भगवान की स्मृति बिल्कुल नहीं होती। दुनिया में लोग दुख भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? अभी दिख ही रहा है ना, सब लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। भक्त अगर दुख में आ जाता है तो भगवान स्मृति दिलाते हैं। गजेंद्र का प्रत्यक्ष उदाहरण जानते हैं कि नहीं? यस। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं त्यागना चाहता है भगवान के चरणों को? तो कह रहे हैं कि रसक रहा, जिसने परमानंद स्वरूप रस को ग्रहण किया है, भक्ति के रस को ग्रहण किया है, वह व्यक्ति तथा निरंतर भगवान के चरण कमलों के स्मरण के द्वारा उसका अन्यों के समान दुराचार और दुख का अनुभव संभव नहीं। समझ में आ रहा है, भोग में पड़ गया लेकिन उसको याद आता है, अरे मैं कितना सुखी था भगवान की भक्ति करके, इसलिए उसका दुराचार वैसे दुराचारी की तरह नहीं है जो पूरी तरह भोगों में अभिनिविष्ट हो जाता है,
कुछ नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। भक्त अगर गलती भी करता है तो भी उसको स्मरण होता है, अरे क्या कर दिया। देखो अन्य लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मैं कहां पड़ा हूं। मैं समझता हूं हर साधक इस बात को समझता है, ऐसा मत कहिए आप लोग कोई गलती नहीं की है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं ही नहीं पूछ रहा क्या गलती की है लेकिन ये नहीं, लेकिन सब जानते सब गलती की है, फिर भी हमारे लिए आशा है कि नहीं। ओके मन का कहीं आप ये देखिए, बहुत सुंदर बात है, प्लीज सारे कान खोल लीजिए, चाहे पूरी क्लास में कुछ भी नहीं सुना, ये लाइन को जरूर सुनिए। मन का कहीं और लगने का अवकाश नहीं है, ये भाव है। क्या लाइन बोली है, मन को लगाने का प्रयास भी करे कि भाई थोड़ा माया का तो चख लूं मैं स्वाद, वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसने भक्ति के सुख का अनुभव कर लिया है। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, समझ रहे हैं मेरी बात। भोग में प्रवृत्त हो भी जाए तो भी भोग अब उसको वह रुचि नहीं दे सकते, क्योंकि उसने भक्ति का सुख अनुभव कर लिया। आप लोग अगर, वैसे मैं चाहता नहीं कि एक्सपेरिमेंट करें, क्लास के बाद थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ये क्या है, ऐसे ही बिल्कुल लगेगा। मेरा तो अनुभव है, एक व्यक्ति घर में अपने बुलाए कि हमारे घर में आइए प्रसाद पाएंगे, नाम तो हम नहीं रख रहे, हमारे मित्र ही हैं, और उनके घर में नीचे कथा चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज, और वो ऐसा लग रहा था कानों में ना उसे गर्म लोहा को डाल रहा हूँ, कह रहे पानी तो पीजिए, हमने कहा भैया आप ऐसा करिए हम यहाँ हवा ले लिए सांस ले लिए यही बहुत है, हम भाग रहे यहाँ से। होता है ना अनुभव, एकदम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो एकदम स्पष्ट है कि मन भगवान के अलावा अब कहीं लगने वाला नहीं। भक्त का मन अगर लगेगा, भक्त का कहाँ लगेगा, भगवान। क्या भजन भी गाते हैं ना, लगता है भगवान मन तुम्हारे चरणों में, से कुछ जो भी है। इसको भगवान के द्वारा भगवद्गीता में कहा गया है, तत्रम बुद्धि योग संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः समसिद्धौ कुरुनंदा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। मतलब जो आपने भक्ति यहाँ पे छोड़ी वहीं से भक्ति आगे शुरू करेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए चलो अभी 33% तक जाते हैं, कुछ देखा है आपने, कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 90% करने की क्या जरूरत है, पास हो जाएंगे 33% में पास हो जाएंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम आगे प्रगति कर लें ताकि आगे जीवन में कठिनाई नहीं हो। हो सकता हो सुभद्रा की तरह जन्म हो जाए कि अब 7 साल में भी 2 घंटा भागवत में बैठ सके, हम ऐसा शी क्लैप फॉर हर यू नो वेरी अमेजिंग चाइल्ड। अरे 2 घंटा रोज भागवत क्लास में बैठना, कोई बैठे हो 7 साल की उम्र में, लॉलीपॉप छोड़ी थी 7 साल में, भागवत में बैठोगे, इसको उसे कुछ लगता नहीं ना सुभद्रा, तुमको कोई दिक्कत नहीं लगती ना और किसी चैलेंज करता हूँ किसी और बच्चे को बैठा के दिखाई, और वो भी ऐसी क्लास में जिसमें कोई कहानी नहीं है, केवल टीका पे टीका, मैं तो अभी भी चकित हूँ। अब ये बताइए कि इनको कौन कौन जो है प्रेरित कर रहा है, आप बता दीजिए, भगवान कर रहे हैं कि नहीं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पहले जन्म का उन्हें सुकृति है, भक्ति सुकृति क्या भक्ति की है, आपने सुने शास्त्र प्रमाण है ना, पुण्यर्विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। बताइए आप किसी क्लास में बैठेंगे इसमें कुछ ज्यादा समझ में ना आता हो, वैसे से समझ में भी आता है समझ में भी आता है, तो जस्ट आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने है, इसलिए भक्ति करते रहिए। इसको हमने बहुत सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, बहुत से लोग गृहस्थ बनेंगे आगे जाके, हमारे पास चांस है, समझ रहे है कि नहीं, बहुत से लोग गृहस्थ बनेंगे, इज इट नॉट, मोस्टली गृहस्थ ही बनेंगे, सारे तो ब्रह्मचारी रहेंगे नहीं तात्पर्य भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। स्पष्ट समझ में आया, अरे खूब जम के यहां तक प्रसाद पा लिया तो उसके बाद भी आप बाहर खाएंगे कुछ कोई मतलब नहीं होता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न श्रुति न कांक्षति सभी खानों को बराबर रूप से देखता है। इतना तो मैं समझता हूं सभी भक्तों के हृदय में वैराग्य आ ही गया होगा कि प्रसाद के अलावा हम कुछ नहीं खाएंगे, है कि नहीं जग, हाँ जगह नहीं, सही है, यही करना ही चाहिए, जगह बचाने का मौका ही नहीं देना चाहिए कि और कुछ खाने का स्कोप भी। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। क्या कारण है गिरने का, कुसंगति।
मानो सकाम कर्मी हो, मानो मतलब सकाम कर्मी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सकाम कर्मी की तरह गिरे। जिनका पतन सदैव होता ही रहता है, जो भोग में लगे रहते हैं उनको तो पतन में ही गिरे हुए हैं, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। इसी में इसलिए येलो में रखा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्मी अपने कर्मों के फलों को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। मैं इसकी व्याख्या करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन ये एकदम स्पष्ट है। माँ माट पीर कर पीटती हुई जो भी है वो अलग है और पुलिस की पिटाई अलग है, ठीक है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अब आप कहोगे राजपुत्र के भी कष्ट होते हैं क्या? हाँ, अगर वो गलती करता है तो पिता है, राजा ही पिटाई करता है क्या, रानी पिटाई करती होगी, लेकिन किसी भी तरह से पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस प्रभुपाद कितने सुंदर बात बोल रहे हैं ना, कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वास्तविक रूप से वो अनाथ है। कितना सुंदर बात है ना। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, और मैं गलत बोल गया, सेवा उनकी सेवा नहीं, प्रणतपाल चक्रवर्ती बात बोलते हैं, न तू परिचर्यादि अपेक्षकम, केवल एक बार भगवान को प्रणाम किया है तो भगवान सोचते हैं कि इसकी रक्षा में हमेशा हमेशा के लिए करूंगा, सेवा की भी अपेक्षा नहीं करते। वाह, ऐसी सेवा में बड़े अच्छे, सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं कैमुत्ति न्याय है कि प्रणाम किए हो सेवा भी नहीं किए हो तो भगवान अपना मान रहे हैं, और सेवा करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। प्रणतपाल भवाब दीपोतम, प्रणतपाल ये आप सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है भगवान की ऐसी मति होती कि व्यक्ति मेरा है, तो भगवान उसके नाथ हो गए ना। आप समझ में आ रहा है ना? यस। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। अर्थात हो सकता है कि वह दुखी लगे, परेशान लगे, लेकिन वह दुख सुख जो कुछ भी है वह राजा के संरक्षण में। इसको हम लोग पहले भी टीका में सुन चुके हैं। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है, मतलब भोग प्राप्ति का प्रयास करता है। मटका सिल्क पहनता है, ठीक सॉरी हमें कोई आपत्ति नहीं, पहनो कोई दिक्कत। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, मतलब भोग प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? भगवान की भक्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं कुछ भोग प्राप्त कर लूं, कुछ महान व्यक्ति बन जाऊं इत्यादि। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि भगवान हमेशा ऐसा करते हैं। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द है विशेष, हर किसी पे ऐसी विशेष कृपा नहीं होती। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वे अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। बहुत स्पष्ट है, हमारे पास जब धन होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे मित्र संबंधी बड़े हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपकी जेब से प्रेम करते हैं। अवंती ब्राह्मण की कथा आप जानते ही। तो भगवान कहते हैं समझ में तो आता नहीं, विश्वास तो होता नहीं कि पत्नी बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं, तो भगवान फिर थोड़ा धन खींच लेते हैं, तब समझ में आता है अरे ये तो हमसे प्रेम नहीं कर रहे थे। स्पेशली भौतिकतावादी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा कि सभी ऐसा करते हैं। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यह भी आप जानते हो। क्या श्लोक है ये? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। शुचिनाम मतलब ब्राह्मण, श्रीमताम मतलब पैसे वाले, क्या जन्म मिलता उस व्यक्ति को जो योग में भ्रष्ट हो गया। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम किलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। पूरा पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा तात्पर्य, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, मतलब
वैभव प्राप्त हो गया तो हो सकता है कि भगवान को भूल जाए, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौटाता है। जैसे आप जानते हो ना वृत्तासुर का, वो देख रहे हैं कि मैं क्या पिछले जन्म में था और क्या मेरी स्थिति हो गई, एकदम असहाय अवस्था में भगवान को युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना कर रहे हैं। कैसा कि एक जैसे बछड़ा जो है वो बांध दिया जाता है और गाय के पास नहीं जा पाता, ये चिड़िया के बच्चे पुकार रहे हैं, या एक स्त्री है जिसके पत्नी, कह लीजिए स्त्री नहीं कहना चाहिए, पत्नी है, उसके पति दूर गया है, असहाय, पति के पास नहीं जा सकती है, इस प्रकार से भगवान को पुकार रहे हैं। तो ध्यान देना होगा कि भगवान ने ही आयोजन किया था कि वे चित्रकेतु महाराज से असुर बने, ताकि वह जो उत्कंठा भगवान के पास जाने की है वह हमें जागृत हो जाए एक ही जन्म में। देखने में लग रहा है कि अपराध हो रहा है, इसीलिए चित्रकेतु महाराज को प्रतिकार नहीं किया, वो समझ गए इसके पीछे भी भगवान का ही कारण है, कुछ कारण है जो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत सुंदर बात, अ ट्रू डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लॉर्ड बट ही एक्सेप्ट्स द विल ऑफ द लॉर्ड। बहुत गंभीर बात है, एक पक्का भक्त, अच्छा भक्त भगवान की इच्छा को समझ ना पाए लेकिन उसको स्वीकार करता है कि ये मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है ही। आप पता नहीं, हमें तो ऐसा कोई अनुभव है नहीं, ना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों को टीका लगाने के लिए माँ ही लेके जाती है, और वो बच्चा रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, और माँ की तरफ देख रहा होता है कि उसे क्या हो गया आज, माँ मेरे को इतने दुख में क्यों डाल रही, ऐसा हुआ है आप लोगों को? लगता ही मेरी माँ है ही नहीं। ऐसा कभी कभी भक्तों हो जाता है, अरे हम तो इतना भजन किए और भगवान हमको इतना दुख दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयोजन है जिसको हम आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। उस दिन महाराज भी यही बात बता रहे थे ना, शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। यही बात मैं कल भक्त को समझा रहा था कि आपको कथा में अच्छा लगती है, बस कथा सुनते जाइए, आप अपने आसक्तियों की चिंता मत करिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट कृष्ण के पास है। हम बोलते ना, अच्छा नडोर प्रभु आप प्रसादम का व्यवस्था देख लेंगे ना, अब मुझे नहीं देखना ना, कल से जो कथा होने वाली है उसके प्रसाद का आयोजन आप देख रहे हैं ना, तो मेरी चिंता समाप्त है ना। तो आपको, आपकी चिंता यही है कि कृष्ण कथा में आसक्ति डेवलप कीजिए, बाकी अब विरक्ति वो अपने आप ही हो जाएगी। जैसे खाना खाते हैं, फिर खाना खाते सोचते हैं अब भाई भूख शांत कैसे होगी, कुछ और खोजते हैं, कुछ और कुछ करना पड़ेगा, भूख अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो इसलिए महाप्रभु इस बात को अनुमोदन की है, जहां पे स्थान है स्थान, जिस स्थान में आपको अच्छा लगता है, गृहस्थ भी तो सबको अच्छा ही लगता ही है, सबसे सुखमय आश्रम वही है, तो वही सुखमय लगता है तो वहां से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जूम के माध्यम से कैसे भी करके भगवान के बारे में श्रवण करिए, अपने आप घर में रहते हुए भी विरक्त होते चले जाएंगे। सबसे अच्छा आश्रम है ना। एक भक्त लोग मजाक कर रहे थे कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहना मुश्किल है और गृहस्थ से निकलना मुश्किल है। नहीं, तो मजाक की बात, ये भी आश्चर्यजनक बात है कि ब्रह्मचारी आश्रम में कोई कठिनाई नहीं है फिर भी रह नहीं पाता, और गृहस्थ आश्रम में कोई सुख नहीं है फिर भी निकल नहीं पाता, ये एक माया का विचित्र मतलब एक बात है। हरि ओम। खैर हम सर मजाक नहीं करना चाहते, हम क्षमा चाहते हैं, मजाक नहीं करना चाहते, मजाक कभी मजाक नहीं करते क्लास में। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है, शुद्ध भक्त निरंतर, ये समझ में आया, अधिक से अधिक व्यक्ति भोग के प्रति अनमनस्क हो जाता, उसको अच्छा ही नहीं लगता। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। आपने जी गोस्वामी जी की टीका में देखा थे, तो प्रभुपाद जी सार रूप में सब कुछ रख देते हैं। तो आपको समझ में आया श्लोक यही है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति को सुख को अनुभव किया है, तो वह अगर कभी गिर भी जाता है तो भी वह सकाम कर्मी की तरह नहीं गिरता, वह भक्ति के सुख का स्मरण करके पुनः पुनः स्मरण करता है, फिर भगवान के पास ही आता है। समझ में आ गया है। इसलिए कभी सबसे अच्छा है पतन होने ही मत दीजिए, अच्छे संग में रहिए, भक्ति करते रहिए, क्या दिक्कत। आजकल तो प्रसाद भी बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी वक्त का तो मैं ले सकता हूँ। जब भक्ति इसी तरह कह रहे हैं, जब भक्ति इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो भगवत धाम में भगवान की सेवा का मौका मिल सकता है, पुनः जन्म क्यों मिलेगा फिर? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मान लीजिए पतन ना भी हो, लेकिन यह तो जरूरी नहीं है कि भक्ति पूर्ण में हम पूर्ण में भक्ति में पूर्ण हो जाए।
तो इसलिए भी जन्म मिल सकता है ताकि भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरी माँ ने कभी जप नहीं किया लेकिन मरते समय श्री राम बोला तो क्या उसका अर्थ है? श्लोक ढूंढ के बता सकते हैं? यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानी अशकर श्लोक है। महाराज जी बड़ा सुंदर प्रवचन करे, इसमें ब्रह्मा जी का उक्ति है कि कोई व्यक्ति मरते समय तेनैक जन समलम सहसै वहित्वा, अगर कोई व्यक्ति भगवान के मतलब मरने से पहले भगवान का नाम उच्चारण करता है तो अनेक अनेक जन्मों के पापों को त्याग करके वे भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये शास्त्र का वचन है। ठीक, खुश? आप तो स्वयं भक्ति कर रही हो, आपकी अम्मा कहाँ बचने वाली? अम्मा हो, पिताजी हो, सास ससुर, सबका बैंड बजा देंगे आप, सबको जाना पड़ेगा भगवान के पास, क्या कर सकते हैं? मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ, मतलब अच्छी बात है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, माता जी लोग तो दोनों जगह को उद्धार कर देंगे, मायके वालों को भी पहुंचा देंगे भगवान के पास और ससुराल वालों को भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। यस, दैट्स अ फैक्ट, यही बोलना चाह रहा था। ओके ओके ठीक है, ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो समझ, इसका मतलब अब समझ। हाँ, आपका प्रश्न है, ठीक है। अब मैं, मुझे बहुत गुस्सा होकर ले प्रश्न चाहिए, क्लियर हो गया। चलिए, प्रभु जी को मौका दे देते हैं। आइए आइए आइए, ठीक है। एक अनाउंसमेंट ये भी है कि कल अभी हम लोग सुबह क्लास करेंगे हिंदी की, महाराज जी शाम को ओवरव्यू देंगे, तो ये जो सीरीज चल रही हमारी वो सुबह होगी 8 से 9, 9:15 बजे तक, तो आप उसमें आइएगा। हाँ जी, भक्ति का कभी नाश, जोर से बोलिए माइक पे, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हाँ जी, 40% किया था तले चालू होगी। यस yes. लेकिन मैंने डायरेक्टली अपना एग्जांपल दे कि किसी माइक पे बोलिए, सीनियर स्कॉन से पूछ, रिवेटी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जल्दी अगले जन्म में एक तले चालू हो सकता है, अगले जन्म में पहले कुछ और पाप चढ़े, आपको कई जन्मों के बाद एक तले चालू होगी, नाश नहीं होगी, लेकिन 40-41 चालू। बंद कर दीजिए फोन, ऐसा कुछ है भाई? मेरा प्रवचन सुनकर कभी आप निरुत्साह हुए हैं? बस तो मेरे को क्यों निरुत्साह कर रहे हो? हम सुनना भी नहीं चाहते ये बात, इसे पिछले जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। अरे उनका मैं किसी को बोलूंगा तो अपराध बन जाएगा, वो जन्म देंगे हमको। ये कहाँ लिखा है शास्त्र में कि अगले जन्म में भक्ति प्राप्त नहीं होगी? चित्रकेतु महाराज को अगले जन्म में प्राप्त नहीं हुई, जड़ भरत को प्राप्त नहीं हुई। शास्त्र की बात बोली, ये किसी की मतामत की बात मत बोली मेरे को, फिर गुस्सा आ जाता है। अरे ये छोड़िए, राजीव गोस्वामी जी कोट करते हैं वाला जीवा न भक्ति वाले श्लोक में, कहते हैं कि व्यक्ति धोखा देने के लिए अगर भगवान को प्रणाम करता है तो 100 जन्म के पाप नष्ट होते हैं, धोखा देने के लिए। अरे सब लोग कर रहे हैं, मान लो चोरी करने के लिए, मान लो मंदिर में जेब कतरी करने के लिए आए, आते हैं नहीं मंदिर में हमारे, आते कि नहीं? तो क्या वो प्रणाम नहीं करता होगा? वो तो और लंबा प्रणाम करता होगा कि मेरे से बड़ा भक्त कोई है नहीं, कि नहीं? भारत लोग जानते हैं कितने लोग जो जेब कतरे होते हैं, क्या प्रणाम नहीं करते? बड़ा अच्छे से तिलक बुलक लगा के अपन फर्स्ट क्लास आएंगे, प्रणाम करेंगे, तो वो तो धोखा देने के लिए आए ना। अरे मैं आपको कथा सुनाता हूँ नरसिंह पुराण की, अब आप सुनिए, आपने सुना नहीं, हिल जाएंगे सुन करके। एक व्यक्ति, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, हिल जाएंगे, मैं पढ़ाऊँ साक्षात। एक व्यक्ति बहुत खराब ब्राह्मण था, ब्राह्मण भी कहना उसके मतलब ब्राह्मण शब्द के लिए अपमान हो जाएगा। वह 4 ब्राह्मणियों को अपहरण कर लिया उनका भोग करने के लिए और एक खंडर में पकड़ लिया। उसने कहा ये स्थान तो बड़ा गंदा है, मेरे भोग में बाधा पड़ेगी, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। एकदम मैंने अपने आंखों से पढ़ा है, एकदम साक्षात पढ़ा, आप नरसिंह पुराण में देख लीजिएगा, सफाई किया, यहाँ अंधेरा है, यहाँ कुछ कैसे क्या होगा, तो दीप जला दिया उसने। इतने में ही राजा के जासूसों ने देखा, लगा कि राजा की सिपाहियों ने देखा कि लग रहा है कोई जासूस आया है, आए उसको मार दिया उस खंडर में। वो खंडर क्या था? नरसिंह देव का मंदिर, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया उसको। अब बताइए अब कहाँ जाएंगे आप? तो भक्ति की महिमा पे ध्यान दीजिए, लोगों के वक्तव्य पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। हाँ नहीं, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई चोरी भी करने आया
और फिर भी अगर भगवान को प्रणाम कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, मान लो दिखाने के लिए मैं भक्ति भक्त हूं, तो भगवान तो वही देखेंगे ना, समझ रहे मेरी बात। तो ये कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है कि अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान तो बार बार यही बोल रहे हैं ना कि भगवान ने कभी बोला कि अगले जन्म में नहीं मिलेगा, ये बताइए। पिताजी क्या बोल रहे हैं, बाप की बात समझनी चाहिए। पिताजी नहीं बोल रहे हैं कि अगले जन्म में नहीं मिलेगा, पिताजी बोल रहे हैं ऐसा। इसीलिए ध्यान दिया करिए कि कभी कोई बात बोले तो कृपया शास्त्र को कोट के, इसके मत, उसके मत, इसके मत, उसके मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वंस मत। प्रभुपाद जी कभी बोले हैं कि अगले जन्म नहीं मिलेगा आपको भक्त के परिवार में? आप पूरा अगर पढ़ते हो प्रभुपाद जी ग्रंथ, कहीं दिखा दीजिए मुझे, मुझे और किसी की बात विश्वास नहीं। कहीं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोले हैं ऐसा, जो मेरे शिक्षा गुरु, मेरे गुरु महाराज कभी बोले? अरे एक हरे बोलने से, बोलना गलत बोल गया अपराध हो गया, बोलने की इच्छा से कि मैं बोलूंगा, अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, अब भी संशय है तब क्या बोले? सब देखिए, संशय आत्मा विनश्यति, संशय वाला आत्मा करने वालों का आप संग करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भक्ति के। अब उस दिन देखा था क्या बातें कर रहे थे सुबह, वो वैकुंठ में जाकर उत्पात करोगे, पूतना उत्पात कर रहे गोलोक में बताइए, पूतना गोलोक में उत्पात कर रही है, खून पे रही है बच्चों का। अरे मतलब कोई कहे कि तृण को इतना गर्म कर दो कि सागर को उबाल दे, कर सकते हैं? उसे तो एक तृण नहीं उबाल सकते हैं, नहीं कर पाएगा। अगर 500 तृण मिल जाएं और खूब गर्म हो जाएं और सागर में डाल दें उसको, तो सागर उबलने लग जाएगा। हाँ ऐसे कह रहे, एक लोटा पानी भी नहीं उबलेगा। आप सुने नहीं शास्त्र का कि जीव इतने पाप कर नहीं सकता है जितना एक हरे नाम उच्चारण काट सकता है। कहानी सुनिए इसके ऊपर, अश्रद्धा के ऊपर कितना बड़ा दोष है। एक व्यक्ति था, ये सच्ची घटना है, शास्त्र का ये कहानी, कि एक ब्राह्मण थे बड़े भगवान की शुद्ध भक्त। तो एक बार वो गंगा मतलब बाहर गए होंगे, तो एक व्यक्ति आया उनके घर पे और उनके बेटे को पूछा कि मेरा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि 3 बार राम बोल दीजिए। ठीक है, 3 बार राम बोल दिए, चला गया। तो ऐसे पिताजी आए, बोले क्या हुआ, क्या बात हुई बेटा? चले एक व्यक्ति आए थे, उन्हें पाप हो गया था, तो मैंने कहा 3 बार राम बोल दीजिए, निकल जा मेरे घर से, घर से निकाल दिया उसको। कहते तू अश्रद्धालु है, एक राम बोलने के बाद 2 बोलने की जरूरत है, नालायक, निकल जा यहां से। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, आज ही मैं फाइल भेजूंगा आपके पास। चक्रवर्ती पास 6.2.9-10 में बोलते हैं कि पहले यद व्याज हारा, उसके पहले वाले में यद व्याज हारा, इसमें कोई काल का निर्धारण नहीं हो रहा कि कब, यानी जब पहली बार उसने बोला नारायण मैं अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तभी अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए, बाकी जो उसने नाम उच्चारण किया उससे उसकी भक्ति बढ़ी। अब आचार्य की बात माने कि उस डिवोटी या उस डिवोटी की बात माने? इसीलिए प्रामाणिक शास्त्र में बताया, आपने इतनी सारी बात बोल दी, मैं इतने सारे कोटेशन दे रहा हूं, नहीं मान रहे हो और इधर उधर की बात कर रहे हो, हमें किसी की बात पे विश्वास नहीं है। अब चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने, मुझे किसी बात पे विश्वास नहीं है। जो आचार्यगण बोल रहे हैं वह भक्ति की महिमा समझते हैं और सुनी चुके हैं ना, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देहियम चेतस न स्मरत ये चरणारविंदम कृष्ण यो न नमत या कदापि तानान यद्वम असतत विष्णु कृत्यान। जिसने जीवन में एक बार, मैं देख रहा जीव गोस्वामी जी की टीका, जीव एकदा अपि शब्द है संस्कृत में, एक बार भी अगर कृष्ण का नाम उच्चारण किया है तो कभी यमराज के पास नहीं जा सकता, कितना शक्तिशाली है। इसीलिए मत सोचिए कि मुझे नाम में रुचि है, शास्त्र के वचन सुनकर उत्साह बहुत बड़ा रहता है रुचि हो या ना हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घबराइए मत, टेंशन मत दीजिए, ठीक है? और कोई प्रश्न है? पूछ लीजिए, माइक पे पूछिए। मेरी मटेरियल डिजायर्स खत्म नहीं हुई। आपकी मटेरियल डिजायर्स खत्म नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई है। तो मैं भगवान के संरक्षण में हूँ। नहीं, आपका कोई होप नहीं है, आप कुछ नहीं हो सकते। यही तो सुनना चाहते हैं आप, यही सुनना चाहते तो यही सुना देता कोई। क्या लिखा है ये जो मैं प्राण निकल गए 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? अरे कोई भौतिक इच्छा हो जाती है, कुछ होता है, तभी तो व्यक्ति गिर जाता है। और ये समझिए, हे भगवान, आप प्रचार नहीं करेंगे, आप पता नहीं लोगों को क्या बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आता मुझे बड़ा डर लग रहा है। सुना नहीं कि अगर भौतिक भोग की इच्छा है तो भी वो स्वर्ग जाएगा, जब तक स्वर्ग में उसके वो बोर नहीं हो जाता तब तक वो स्वर्ग में रहेगा और फिर भगवान के पास वापस चला जाएगा। कितनी बार बोलना पड़ता है?
ये बताइए, नहीं 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 ये बताइए कि आप सीए में एग्जाम, सीए एग्जाम कहीं चीटिंग करके तो पास नहीं हुए? कल एक डॉक्टर को समझा रहा था मैं, डॉक्टर को समझा रहा था मैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है, मतलब वैसे मजाक कर रहा था, हमने कहा माता जी इतना समझ में नहीं आया, उनको भी चिंता प्रभु जी मेरे को बहुत नौकरी की इच्छा है, ये है वो है इत्यादि इत्यादि, ये मैं अपने को बहुत हीन मान रही हूँ। हमने कहा आपको सुनना अच्छा लगता है? अरे नहीं, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा क्यों चिंता कर रही हो? यही तो बोल रहे हैं कि बार बार जिसको श्रवण करने की इच्छा हो जाती है भक्ति से, वो अपने आप विरक्त हो जाता है। यही आप सुन रहे हैं ना, तो कथा में प्रवृत्त होइए, कथा में प्रवृत्त होंगे अपने आप सारी जगह से विरक्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? नमे भक्तः प्रणश्यति, वहां ये नहीं बोल रहे हैं कि नमे उत्तम भक्तः प्रणश्यति, नमे मध्यम भक्तः प्रणश्यति, कोई बोल रहे हैं भगवान ऐसा? नमे भक्तः प्रणश्यति अपि चेतो सुदुराचार, ये संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। बस मेक सेंस? और नहीं समझ में आ रहा तो कुत्ते की दुम समझ में आता है, कितना भी सीधा करने का प्रयास करे माया, फिटिंग हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। मेक सेंस? ठीक है। भक्त का पतन कितनी बार हो सकता है? जितनी बार वो चाहे जितनी बार वो चाहे, कोई लिमिट तो है नहीं, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। कितनी बार हो सकता है, या एक दो तीन बार लिखा है, या तीस बार भी कह सकते हैं, कितना हो बार हो जाए लेकिन भगवान उसको छोड़। महाराज का बहुत सुंदर शब्द है, लव मीन्स अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, परमपूज्य राधानाथ महाराज के। और अनादिकाल से तो हम पतित ही हैं, जरा बताइए कितनी बार की क्या बात कर रहे हो, अनादिकाल से तो भगवान को भूले ही हुए हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप? हाँ प्रभु जी पूछेंगे आप अपना प्रश्न। हाँ बोलिए, कुछ खाए हैं सुबह से? लग रहा है। हाँ प्रभु जी ऐसा बोला जाता है, आवाज नहीं आती। हरे घर में पैसे बोलते थे हल्का हल्का। हाँ बोलिए प्रभु जी। ऐसा बोला जाता है कि भक्तों को कब, मतलब जितना भक्ति बंद जहां से खत्म होती है फिर वहीं शुरू होती है भक्ति। हाँ, अगले जन्म में। हाँ, फिर पतन का मतलब क्या रह गया? यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि पतन नहीं होता। पतन शब्द मतलब, मतलब पतन का मतलब है कि मान लो पशु योनि में चला गया, या मान लीजिए निम्न योनि में चला गया, चंडाल की योनि में चला गया, असुर योनि में चला गया, बाह्य रूप से लग रहा है कि पतन हो गया, इसी तो बोल रहे हैं। क्या है? अन्यवत, अन्य कर्मियों के समान उसका पतन नहीं होता है, उसको भगवान की स्मृति बनी रहती है। पतन का मतलब यहाँ देख भी रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है, आपके जितने भी हमारे जो क्या कहना चाहिए भक्त हैं स्टूडेंट हैं, वो जो भक्ति छोड़ दिए हैं, उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा था कि यार भक्ति में बड़े बोर हुए, बोलो भले भक्ति भी ना कर पा रहे हो, कोई एक व्यक्ति आपको बोला बहुत बोर किया प्रभु जी ने, मतलब खिचड़ी अच्छी लगती थी, कीर्तन अच्छा लगता था, यही बोल रहे होंगे ना, भले अभी ना कर पा रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही पतन है कि भक्ति समय नहीं कर पा रहा है बस, लेकिन ये याद रहता है कि मैं भक्ति करता था और बड़ा सुखी था उस समय। डज इट मेक सेंस? आप पूछ लीजिए वहीं से, मतलब माइक पहुंचने में समय लगेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि भक्त को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे वो एक ही जन्म में भगवान के पास चला जाए, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो एक जन्म के भगवान में चला जाएगा, मतलब उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस जन्म में जाऊंगा कब जाऊंगा, जब भगवान की इच्छा होगी तब जाऊंगा। लेकिन जो हम प्रैक्टिकल सुन रहे हैं, 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, और अहंकार से नहीं, मैं ये कर रहा हूं ताकि प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की और भगवान की कृपा मुझ पर हो, ये नहीं कह सकते देखो भगवान मेरा अकाउंट देख रहे हैं, मेरी साधना रिपोर्ट देख रहे हैं, एक भी दिन 16 माला मिस नहीं हुआ, गेट खोलो अब अकाउंट का, क्या दिक्कत है, जय बजय हटो किनारे साइड, पिछली बार देखा नहीं शाप दे दिया था ऐसा नहीं बोल सकते। मेक सेंस? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी कृपा को याचना करने के लिए, जब उनकी इच्छा होगी तब जाएंगे, सुनना चाहेंगे कब जाएंगे यही वक्त पूछ रहे थे अभी जो महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कि भौतिक आसक्ति कब जाएगी, तो महाराज बोले, उनको तो नहीं बोले, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद जाएगी ये तो खैर महाराज का विनोद था, जब भी जाए ये बताइए कि अभी भक्ति करने में कोई दुख है? कोई दुख नहीं, अगर जन्म लेना पड़ेगा तो जन्म लेंगे, और भगवान ने चाहा तो इसी जन्म में चले जाएंगे, क्या दिक्कत, करिए तो सही 16 माला जब 4 नियम का पालन। अभी कितने साल हुए, मैं पूछ रहा था सुबह, बता रहा था ना इंद्रा माता जी सर्जन है, 15 साल लगा सर्जन बनने में, आपको 15 साल हो गया जब करते हुए, तो अभी क्या प्लानिंग करना है अभी क्या सोच रहे? अग्रीड,
तो इसीलिए तो बोल रहे 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, वैष्णव की सेवा करिए। वैसे फॉर्मूला महाप्रभु स्वयं बताइए, एक बार कृष्ण का नाम लिया और दूसरों की निंदा नहीं कर रहा है तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा, ये फॉर्मूला तो महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। क्वाइट पावरफुल इज इट नॉट। ठीक है, काफी चर्चा हो गया, अभी हम लोग पारायण करेंगे और उसके बाद रुकेंगे।